हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी बिजनेस 365 इकोनॉमिक्स पे चल रही है, इसका पार्ट नंबर ही आज हम लोग देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखने वाले हैं बाह्य क्षेत्र के बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। देखिए, आज आप लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी शब्दावलियां होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं और काफी पकाऊ सब्जेक्ट लगने लगता है। लेकिन आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग हमारी सीरीज देखते हैं तो हम आसान शब्दों में आप लोगों को सबको समझा देते हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो जाकर के देख सकते हैं, अगर नहीं देखे तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये जो टॉपिक है ये आपको एक सेपरेट टॉपिक देखने को मिलेगा, तो इतनी समस्या नहीं आएगी कि आपने प्रीवियस टॉपिक नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए देने जा रहे हैं। जिन लोगों ने देखिए हमारी ऐप को इंस्टॉल किया है और वहां पर सेकंड फाउंडेशन बैच या अचीवर बैच में एडमिशन लिया है, उन लोगों को परेशान नहीं होना है कि आपकी क्लासेस से बंद कर दी जाएंगी, क्या हम लोगों क्या होगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों की क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको देखने को मिलेगा 27 जून से सारी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। और यहाँ पर हम 3 फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें एक आपको फर्स्ट बैच है वो आपको देखने को मिलेगा यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस, दूसरा बैच जो आपको देखने को मिलेगा वो बिहार पीसीएस का है, और तीसरा बैच है वो आपको यूपीएससी यानी कि आईएएस का बैच देखने को मिलेगा। इसकी ड्यूरेशन है वो 1 साल रहेगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूट्यूब चैनल पे चलने वाला है। जिन लोगों ने हमारी ऐप इंस्टॉल नहीं की वो इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों की स्टडी मटेरियल और इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट है वो मिला करेंगे। देखिए, ये बैच है ये 27 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जब आप लोगों का पीटी का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, अभी तक हम आपको अकेले पढ़ाते थे, लेकिन अब हमारी पूरी टीम आ रही है, वो पूरी टीम आप लोगों के लिए तीनों बैचों को पढ़ाया करेगी। तीनों बैच कब चला करेंगे? तो एवरी डे ये बैच चला करेंगे, सिर्फ संडे को छुट्टी रहा करेगी और सप्ते में आपकी हर दिन यहाँ पर क्लासेस चलेंगी दो दो घंटे की। तो 2 घंटे की देखिए आपकी मॉर्निंग में क्लास चलेगी। ये वाला जो बैच होगा ये स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए होगा, और जिन लोगों ने इस बैच को ज्वाइन कर लिया उसका निश्चित तौर पर 2023 में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर हम 3 चीजों को एक साथ फोकस करते हुए पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पर आपको 6 घंटे की क्लासेस कम से कम मिला करेंगी और आपको 1 घंटे की यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी क्लास मिला करेगी। देखिए, 2 घंटे की जो मॉर्निंग में क्लास चलेगी वो आपकी स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए चलेगी, फिर आपकी दोपहर में आफ्टरनून में एक क्लास चला करेगी जो 2 घंटे की होगी लगभग में, ये बिहार पीसीएस के लिए चला करेगी। ये दूसरा बैच आपको देखने को मिलेगा, ये भी 27 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा एक और बैच है जो 27 जून को स्टार्ट हो रहा है, ये आईएएस का है और ये हिंदी मीडियम में। तीनों बैच आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको इवनिंग में देखने को मिलेगा, इसकी टाइमिंग है 9 बजे या 10 बजे रात में रहा करेगी। ओके, तो ये शाम को चला करेगा। ओके, रात में या शाम को ये वाला बैच है, इसकी टाइमिंग भी जल्दी आप लोगों के लिए बता दी जाएगी। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर आपको सब कुछ ए टू जेड दिया जाएगा, जैसे कि लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, इसके अलावा जो सपोर्ट होता है, टेस्ट सॉल्यूशन होता है, सब कुछ ए टू जेड आप लोगों के लिए दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसी तरह से सपोर्ट करें और 10,000 का जो हमारा टारगेट है वो पूरा कर दीजिए, वैसे तो आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर ही देंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, देखिए अब अभी तक मैं आपको पूरा जीएस का जो सेक्शन था वो मैं अकेले पढ़ाता था, लेकिन अब देखिए हमारी टीम है हल्के हल्के आप लोगों को पढ़ाने स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर एसके सारे हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए, हमने आपको बताया था कि उनके नाना जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो वो घर चले गए थे, जिस वजह से आपकी कुछ दिनों तक क्लासेस नहीं हो पाई थी। ये इनकी फर्स्ट क्लास आज ही अपलोड हुई है 9 बजे, आप लोग देख सकते हैं जाकर के। तो यहाँ पर अभी वो आए थे, आप लोगों ने देखा होगा कि उनका सिर है वो मुड़ा हुआ है, मतलब उनके बाल नहीं है, तो नाना जी की डेथ हो गई थी तो सिर है, उन्होंने बाल है वो दान किए थे, मतलब वो बाल छीले जाते हैं। तो अभी वो जब आए थे तो तुरंत आप लोग इतना प्रेशर कर रहे थे, इतना फोन कर रहे थे कि सर क्लास चलाइए क्लास चलाइए। तो वो जैसे ही आए थे मैंने 2 घंटे 3 घंटे मैंने कहा था कि आप रेस्ट कर लीजिए फिर क्लास लीजिए जाकर के, और मैंने तुरंत उन्हें बताया था कि यहाँ पर जो पेन टैब होता है ये हर किसी की बस की बात नहीं, पेन टैब पर आकर के फर्स्ट टाइम आकर के लिख लिए, क्योंकि उन्होंने आधे घंटे प्रैक्टिस किया और आकर के आप लोगों को पढ़ाने लगे थे। पेन टैब पर कुछ भी नहीं दिखता है, हमें अंदाज से लिखना पड़ता है कि हम कहाँ पर, इस पर हल्के हल्के ही जो हाथ होता है वो सेट हो पाता है, जिस कारण वो जब वो लिख रहे होंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे इधर उधर जा रहा होगा। और इस कंप्यूटर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जब हम लोग चलाते हैं, जो इसमें हाथ जिसके सेट हो जाते हैं उसको तो प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे एस के सर फर्स्ट टाइम वो देखे थे इन सारी चीजों को, तो वो कह रहे थे कि सर मैं कैसे यहाँ पर सारी चीजें मैनेज करूंगा, कि मुझे 1-2 दिन का टाइम तो टाइम दे दीजिए जिससे मैं सारी चीजें सीख जाऊं।
तो और एक तो वो कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं, वो टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग उनका जल्द से जल्द सपोर्ट करिए। 8-10 क्लासों में वो बहुत अच्छे से एकदम सेट हो जाएंगे, उनके हाथ तो बहुत अच्छे से लिख करके आपको पढ़ाया करेंगे। ओके चलिए हम लोग चलते हैं। और ये क्लासेस से कितने बजे मिला करेंगी? आपकी क्लासेस की टाइम है जो अचीवर बैच की, पहले आपकी 7 बजे चलती थी हमारी ऐप के ऊपर, लेकिन अब ऐप के ऊपर नहीं चलेगी, अभी यूट्यूब पर ही वो क्लास चलेगी। कितने बजे से? शाम को 9 बजे चला करेगी। ओके तो ये टाइमिंग है थोड़ी सी चेंज हो गई है, आप लोग देख लीजिए। देखिए अभी जो नए मैसेज आप लोगों ने बहुत सारे किए थे वो यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाए हैं, लेकिन जिन लोगों ने मैसेज किए हैं वो इसी तरह से अपने अपने प्यारे प्यारे फीडबैक देते रहे, जो भी आपको जरूरत होती है वो मैसेज के थ्रू आप लोग बताएं, आपको सब कुछ दिया जाएगा यहाँ पर। और ये हमारा टारगेट है, इसको पूरा कर दीजिए आप लोग जल्द से जल्द, वैसे तो पूरा कर देंगे, अभी इतनी तेजी सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ा रहे हैं। और देखिए एक व्यूअर ने यहाँ पर कमेंट किया था कि सर आपने जो PDF के थ्रू महामैराथन क्लासेस इकोनॉमिक्स की ली थी उसी तरह से अन्य सब्जेक्टों पर भी ले लीजिए। तो देखिए आप लोगों की, जैसे कि आपने आर्ट एंड कल्चर के लिए बोला था, तो आर्ट एंड कल्चर की अब आपकी क्लास आने वाली है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री पर भी आपको क्लास दे देंगे। ओके और अगर और भी आप लोग डिमांड करेंगे तो और भी आप लोग दे दी जाएगी। वैसे तो ये सारी क्लासेस अब तक खत्म कर चुके होते अगर हमारी तबीयत बेकार नहीं होती, लेकिन क्या करें, भगवान ने इसी टाइम हमको आकर के प्रॉब्लम दे दी, अब क्या कर सकते हैं, अब समस्या आ गई तो आ गई। ओके इसके अलावा आप लोग अगर ये बिजनेस 365 जो अन्य सीरीज है जाकर के देखना चाहते हैं देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है, नई PDF है इसमें अपलोड की गई है, 26 से लेकर के हमने 35 तक न्यू टेस्ट जो विजन के आए हैं अभी हिंदी में वो हमारी ड्राइव पर अपलोड कर दिए, जाकर के यूट्यूब पर देख लीजिए, सेम वीडियो थंबनेल लगा हुआ होगा, उसमें नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक के थ्रू आप जो लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप डायरेक्ट इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग जाकर कमेंट कर दीजिए, वहां पर आपको लिंक दे दिया जाएगा। जैसे कि अदर कोचिंग के भी डाउनलोड करना चाहते हैं, अदर कोचिंग के भी आप लोगों को दे दिए जाएंगे। अभी अचीवर बैच में आप लोगों को एडमिशन नहीं लेना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर आपको बाद में बहुत कुछ आप लोगों के लिए मिला करेगा। इसके अलावा देखिए अचीवर बैच में अभी आपको एडमिशन नहीं लेना है, ना ही सेकंड बॉस फाउंडेशन बैच में लेना है। अगर आप लोग ये खरीदना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का, ये सिर्फ 99 रुपीज में है, इसमें जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं तो वो जाकर खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर PT और मेंस दोनों के लिए हमने वीडियो है, क्लासेस हैं वो पूरी रिकॉर्डेड करके यहाँ पर अपलोड कर दी है, तो सिर्फ 99 रुपये में जाकर खरीद सकते हैं अगर जरूरत है तो। अगर नहीं, अगर आप लोगों के पास में टाइम है तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास तो चलेंगे, तो तब भी आप लोग आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ओके अभी हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, हम लोग देखेंगे तो इकोनॉमिक्स विजन 365 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाह्य क्षेत्र, आपको हमारा टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा देंगे। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन हमारे होते हुए आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होने। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, जूम करने के बाद में आपको अच्छे से पढ़ाते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा बाह्य क्षेत्र, जिसको एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है भारत का निर्यात। देखते हैं चलिए भारत के निर्यात में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और हमारे टॉपिक हमारे अगर आप लोग सिलेबस देखे होंगे तो उसमें टॉपिक दिया रखा हुआ है। ओके आया भारत का आयात और निर्यात। तो देखिए भारत का निर्यात है न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारत का जो त्रिमासिक निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है वो बड़ा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो गया है कि $100 बिलियन का हो गया है। आखिर ये क्यों बढ़ा? कोरोना काल के बाद इतनी सारे पूरा विश्व है वो परेशान है, लेकिन भारत का जो निर्यात है वो यहाँ पर बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट गवर्नमेंट के द्वारा विशिष्ट हस्तक्षेपों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ये एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे यहाँ पर कदम उठाए जिस कारण ये एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। चलिए हम महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं, जो हमारे पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोग देख सकते हैं 2021-22 के लिए जो हमने टारगेट यहाँ पर रखा था अपने एक्सपोर्ट को लेकर के $400 बिलियन। कितना? 400। ये देखिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होता है, रटने नहीं बैठ जाना है कि $400 बिलियन खाना खाते हुए कहीं भी जा रहे हैं $400 बिलियन $400 बिलियन, ऐसा नहीं करना है। बस एक मोटा मोटा आंकड़ा आप लोगों को ध्यान रखना होता है, ये $400 बिलियन है ये हमने टारगेट रखा था। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ सिर्फ आपको गुड्स का देखने को मिलेगा, यहाँ पर सर्विसेस इंक्लूड नहीं है। ओके ध्यान रखिएगा, ये जो केवल हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं, वस्तुओं के निर्यात की बात कर रहे हैं, वो $400 बिलियन का टारगेट रखा गया था। और 2027 तक ये टारगेट है हमारे अचीव करने का, जो लक्ष्य रखा गया है वो $1 ट्रिलियन। कितना? $1 ट्रिलियन है वो निर्धारित किया गया है।
जो कि काफी महत्वपूर्ण है, हो सकता है एक किसी स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। अब देखिए हमारा निर्यात है उसको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए सरकार ने चार सूत्रीय जो फॉर्मूला है, स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो बनाई है। जैसे कि फर्स्ट रणनीति के अंतर्गत यहाँ पर जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात की है, यानी कि जब हम विनिर्माण करेंगे मतलब मैन्युफैक्चर करेंगे किसी चीज का, तो उसे क्या बनाएंगे हम, उसको उसकी क्वालिटी है थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। अब पेन है इसको थोड़ा अच्छा बनाएंगे, वरना लिखते लिखते अभी एक लाइन लिखी नहीं बंद हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड होगी नहीं ना। एक बार हम देखेंगे अच्छा ये अग्नि का पेन है, आज के बाद नहीं खरीदेंगे, ये तो धोखा दे गया। ओके गर्लफ्रेंड की तरह ज्यादा दिन तक चला नहीं, 4 दिन की चांदनी की तरह ये 4 लाइनें लिख करके बंद हो गया, तो दिक्कत आ जाएगी ना। अब देखिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिस कारण यहाँ पर बोला गया कि हम क्या इंप्रूव करेंगे, हम क्वालिटी को नंबर एक इंप्रूव करेंगे। दूसरा गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बीच में हमेशा माथापच्ची चलती रहती है। तो क्या बोले कि अगर हमें निर्यात बढ़ाना है तो केंद्र और जो राज्य सरकारी हैं इनके बीच में हमें जो लॉजिस्टिक समस्याएं हैं इनको दूर करना होगा। लॉजिस्टिक समस्या क्या होती है आखिर, लॉजिस्टिक समस्याएं होती हैं, लॉजिस्टिक क्या होता है आप लोग आसान शब्दों में समझिए। देखिए शब्द होते हैं ना ये दिमाग को घुमा देते हैं, लेकिन शब्दों को एक बार समझ गए सब कुछ जिंदगी में समझ जाएंगे। कीवर्डों को पकड़िए और कीवर्ड को समझ गए तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। तो देखिए लॉजिस्टिक क्या होता है, जैसे कि इस पेन को किसी फैक्ट्री में बनाया गया, जब ये फैक्ट्री में कोई वस्तु उत्पादित होती है फिर इसे बाजार के केंद्र तक ले जाने में जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, मानते हैं यहाँ उत्पादन हुआ, अब इसे किसी दुकान तक पहुंचाना है ना, अंतिम बिंदु तक इसे पहुंचाना है, तो अंतिम बिंदु तक पहुंचाने और उत्पादन के बिंदु से अंतिम मतलब बाजार तक पहुंचाने में जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसी को लॉजिस्टिक बोलते हैं। जैसे फैक्ट्री में इसका उत्पादन किया गया, अब इसे मार्केट में पहुंचाना है, लेकिन ऐसे तो नहीं पहुंच जाएगा ना, वो मार्केट कोई भी हो सकती है, वो ग्लोबल मार्केट हो सकती है या फिर हमारे देश की मार्केट हो सकती है जिसको घरेलू या फिर डोमेस्टिक मार्केट बोलते हैं, लेकिन किसी प्रक्रिया के अंतर्गत ही तो ये जाएगा, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक बोलते हैं, शब्दों का ही खेल है। तो देखिए जो लॉजिस्टिक की समस्या है इनको क्या किया जाए, कम किया जाए, जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। इसके अलावा तीसरा क्या है, तीसरा है इसमें समन्वय को बढ़ाना। किस किस के बीच में समन्वय को बढ़ाने की बात की जा रही है, जो गवर्नमेंट है और साथ में जो एक्सपोर्टर है मतलब निर्यातक है इनके बीच में समन्वय ज्यादा होगा तो आसानी से जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान का हो जाएगा, बाधाएं वो कम आएंगी, तो निर्यात है वो क्या होगा हमारा बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट बड़ी चालाक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि ग्लोबल मार्केट है, नई नई ग्लोबल मार्केट है, बाजार है, उसकी खोज की जाएगी। अगर बाजार की नई नई खोज करेंगे तो एक सप्लाई चेन है वो बनी रहेगी, तो हमारे देश में उत्पादन होता रहेगा, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके और कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं, यही क्या है, चार सूत्रीय रणनीति है। इसके अलावा देखिए आप लोग देख सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है। कम क्यों हुआ है तो आप लोग जान सकते हैं कि कोरोना की वजह से इन सारी चीजें हुई है, क्योंकि उत्पादन है वो भी प्रभावित हुआ था और इंटरनेशनल मार्केट में मांग भी प्रभावित हुई थी, और जो आपको देखने को मिलेगा सप्लाई चेन है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रही थी। तो आप देख सकते हैं 2019-20 में 526 बिलियन डॉलर का रहा था। देखिए ये 526 है, ये इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों हैं, ये देखिए वस्तुएं और सेवाएं दोनों इसमें शामिल हैं। अब ये रटने नहीं बैठ जाना है, 526.6 बिलियन डॉलर ये बिल्कुल भी नहीं रट रहे हैं, बस एक मोटा मोटा आंकड़ा देख लेना होता है बस। ओके इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं 2018-19 में बात करें ये 538 था, ये कम होकर के कितना हो गया, 526 हो गया। वैसे तो बढ़ना चाहिए अगले साल, लेकिन ये कम हो गया था। कम क्यों हो गया था तो आप देख सकते हैं उस समय क्या आ गया था, भैया कोरोना आ गया था। इसके अलावा आप लोग देखेंगे अगर हम वैश्विक निर्यात में अगर हम भारत की बात करें, तो अगर हम 1991 के समय की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा भारत का जो पार्टिसिपेशन था वो 0.6% था। ओवरऑल जितना एक्सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड में उसमें से अगर भारत की भागीदारी की बात करें तो 0.6 था, लेकिन आप देखेंगे कि हल्के हल्के हमारे देश की भागीदारी है वो बढ़ने लगी है। आप देख सकते हैं 2018 तक आते आते जो यहाँ पर निर्यात में भारत की भागीदारी है वो 1.7% हो गई, यानी कि एक अच्छा संकेत है, लेकिन अभी भी इतना पर्याप्त नहीं है। देखिए आप देखेंगे चीन, चीन की अगर हम बात करें तो वो 13% भागीदारी रखता है, नंबर वन पर आता है। दूसरे नंबर पर यूएसए आता है जो 9% की भागीदारी रखता है, और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा इंडिया आता है 18वें नंबर पर। भाई इंडिया
कितने नंबर पर आता है, 18वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जो हम जितना भी निर्यात करते हैं तो हम जीडीपी की तुलना करें अपने भारत की, तो वो हमारे भारत की जीडीपी का 18% है जिस जिसको हम निर्यात करते हैं। और भारत की जनसंख्या भी लगभग में कितनी देखने को मिलेगी, 18% ही देखने को मिलेगी अगर हम विश्व की तुलना करें ओवरऑल जनसंख्या से, तो 17.76 कुछ है, लेकिन हम उसे ओवरऑल 18% ही मानते हैं। तो आप देख सकते हैं भारत का नंबर कौन सा है निर्यात के बारे में अगर हम बात करें तो 18वें नंबर पर आता है। और अगर जीडीपी से अगर तुलना करके बताएं तो 18% जो वस्तुओं का जो हम उत्पादन करते हैं वो हम क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या कितनी है, वो भी 18% के करीब में देखने को मिली, यानी कि 18 से बहुत प्यार है भारत को। ओके, ये तो अलग बात होगी, जैसे याद करने के लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा बता दिया जिससे आप लोगों को थोड़ा सा मोटा मोटा ध्यान रहे। लेकिन आप लोग देखेंगे कि जो देखिए अगर हम वस्तुओं का जो निर्यात करते हैं, जो वस्तुओं को हम निर्यात करते हैं उसमें हमारा घाटा रहता है, उस घाटे की भरपाई कौन करता है, आपको देखने को मिलेगा जो सेवा क्षेत्र होता है उसकी वो भरपाई कर देता है। ओके, इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें, देखिए भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक जो हमारा वाणिज्य विभाग है, जो वाणिज्य विभाग है उसके द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, उन कदमों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला आपको देखने को मिलेगा कि ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन करके इसकी सीमा अवधि को बढ़ा दिया गया कि भाई पहले जी मानते हैं 1 दिन के लिए दिया जाता था कि अब जाओ भाई 4-5 दिन के लिए ऑथोराइजेशन, अब आपको बार बार नहीं कराना, आकर नहीं कराना, यानी कि इसकी वैधता को एक तरह से थोड़ा बढ़ा दिया गया और कुछ नहीं है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे दवाएं और जो चिकित्सा उपकरण हैं उन चीजों का निर्यात किया गया, जैसे कि आप जानते हैं सैनिटाइजर हो गया, पीपीई किट हो गया, मास्क हो गया, जैसे आप देख सकते हैं N95 मास्क हो गया, और बहुत सारे सर्जिकल मास्क भी होते हैं उनका भी आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सारी दवाई भी हैं जैसे कि पैरासिटामोल, इन सभी का भारत ने बड़ी मात्रा में निर्यात भी किया है। इसके अलावा भारत ने अपने देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको बढ़ावा दिया है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर तकनीकी विनियमों और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश हैं इनको भी अपनाया है, और यहाँ पर फास्ट ट्रैक जो तंत्र है उसको अपनाया है जिससे निर्यात के क्षेत्र में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उन बाधाओं को दूर किया जा सके जिससे व्यापार वाणिज्य वो आगे बढ़े। इसके अलावा आप देख सकते हैं निर्यात के केंद्र के रूप में जिले का विकास करना, इसको देखिए अब बोला है कि अगर हमें पहचान करना है कि जिले स्तर पर हब बनाने की बात की गई है, तो नंबर एक देखिए यहाँ पर जो रणनीति है वो कौन बनाएगा, केंद्र नहीं बनाएगा, अब यहाँ पर जो रणनीति है वो राज्य बनाएगा, क्योंकि राज्य है वो अपने क्षेत्र से ज्यादा अच्छे से रूबरू है तो वो योजनाएं बनाएगा, तो अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्य है वो अपनी निर्यात रणनीति यानी कि नीति बनाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि हमें प्रत्येक जिले में जो उत्पादन जो उत्पादों और साथ में जो सेवाएं हैं उनकी पहचान करना होगा, उनको लोकेट करना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि विदेश व्यापार जो महानिर्देशालय है उसके द्वारा जिला निर्यात कार्य योजना है इसकी तैयारी की जाएगी। ओके, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी जिससे हमारे देश का निर्यात है वो बढ़ेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि भारत का जो निर्यात में खराब प्रदर्शन है क्यों है, इसके क्या कारण है, तो इसके बहुत सारे कारण है। भारत 18वें नंबर पर आता है, बल्कि आपको देखने को मिलेगा भारत की जनसंख्या 18% है ओवरऑल, और भागीदारी आप देख सकते हैं 2% भी नहीं है, 1.7% ही आपको देखने को मिलेगी। चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, चाइना कहाँ इतना आगे, हम कहाँ अभी। ओके, तो केवल जनसंख्या हम कारण नहीं बता सकते कि जनसंख्या की वजह से ऐसा है, तो जनसंख्या तो चीन की भी बहुत ज्यादा है, वो भी तो एक विकासशील देश था, जब 1990 के समय दोनों देश थे एक जैसी स्थिति में थे, वो आगे बढ़ना प्रारंभ हुए, चाइना आगे निकल गया, अब क्यों आगे निकल गया उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, ये अलग टॉपिक है। ओके, इसके अलावा देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला है, ग्लोबल वैल्यू चेन है, इसमें भारत का पार्टिसिपेशन कम है। देखिए ये जो आखिर ग्लोबल वैल्यू चेन होती है क्या होती है, देखिए जब उत्पादन किसी वस्तु का उत्पादन कर दिया जाता है, उत्पादन के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसमें भारत का पार्टिसिपेशन कम है, जैसे कि उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद की प्रक्रिया होती है उसे बाजार तक ले जाने में जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, इसके अलावा फिर बाद में मार्केट में पहुंचने के बाद मार्केट से
लोगों तक उन वस्तुओं को पहुंचाना, चाहे वो हम ई साइट के माध्यम से पहुंचाएं या फिर हम कहीं किसी भी माध्यम से पहुंचाएं, तो वहां पर भारत की भागीदारी कम है। अगर ऐसा सोचिए, भारत के खुद के स्टोर हों, भारत के खुद के सिप हों, भारत की सब कुछ सिस्टम खुद का हो, तो क्या होगा? भारत अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रमोट करेगा ना। ओके, अपना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रमोट करेगा, दूसरे को थोड़ी ना करेगा। जैसे कि गूगल है, अमेजन है। अब अमेजन है वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करता है। जैसे आप सर्च करेंगे ब्लूटूथ, अब अमेजन वाला क्या है, अपना भी ब्लूटूथ दिखा देता है। ओके, अपना अपना स्पीकर भी दिखा देता है। क्यों? अब अमेजन खुद की चीजें निकालने लगा है। आप अभी सेल सर्च करिए, अमेजन अपना भी सेल जरूर दिखाएगा, क्योंकि अमेजन की साइट है तो वो अपना प्रोडक्ट है अब ज्यादा प्रमोट करता है, ज्यादा दिखाता है, ऊपर दिखाता है, तो आप उसको ज्यादा खरीदेंगे। तो देखिए यही होता है। आप जैसे गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं ठप 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 करके, और कहते हैं हमको एक चाहिए, हमको 108 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, और उसमें वो मोबाइल टॉप में 10 मोबाइल होंगे, ऊपर की जो श्रृंखला होती है उसमें जो मोबाइल दिखाए जाते हैं वो कौन डिसाइड करता है? वो गूगल डिसाइड करता है। और आपको लगता है इन्हीं 10 में कोई बेहतर होगा, आप उन्हीं में से, मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है कि 90% की, आप उन्हीं 10-15 में से आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और अगर आप उस पर क्लिक भी करेंगे, फर्स्ट पर आप क्लिक कर दिए और उसकी रेंज 10,000 की है, तो उसमें आगे की जो श्रृंखला होगी वो आपको दिखाई जाएगी गूगल के द्वारा। वो भी वो डिसाइड करेगा इस 10,000 की रेंज में आगे जो 10, मैं इस पेज में 10 से 15 मोबाइल दिखाने वाला हूँ, वो मैं किस किस कंपनी के दिखाऊं, MI के दिखाऊं, वीवो के दिखाऊं, तो वो किसके दिखाएगा, जो ज्यादा पैसा देगा उसके दिखाएगा। ओके, एक रेटिंग भी मैटर करती है, लेकिन रेटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें फैक्टर हैं, वो रेटिंग बहुत बहुत सारी चीजें हैं वो मैटर करती हैं। जो एल्गोरिथम है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, आप लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो भारत की भागीदारी इसमें कम देखने को मिलेगी। तो इसमें वैश्विक मूल्य श्रृंखला, ग्लोबल वैल्यू चेन है, इसमें पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं वस्तुएं हैं उनमें आपको सीमित विविधता देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रमुख 10 वस्तुएं हैं जिनमें भागीदारी भारत की देखने को मिलेगी, 78% एक्सपोर्ट में जिनकी भागीदारी है सिर्फ 10 वस्तुओं की ही। इसके अलावा आप देख सकते हैं उत्पादों का कम प्रतिस्पर्धी होना, यानी कि अगर हम ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिट करना चाहते तो हमारा प्रोडक्ट उस लायक होना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानता भी देखने को मिलेगी। क्षेत्रीय असमानता का मतलब है कि 70% जो निर्यात होता है वो सिर्फ कुछ ही राज्य से होता है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, यही अकेले अकेले 5 राज्य हैं, ये अकेले कितने लगभग में 70% निर्यात के लिए उत्तरदायी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए कितनी क्षेत्रीय असमानता आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर हम निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 3 बुनियादी चुनौतियां भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि क्षेत्रीय असमानता है वो बहुत ज्यादा व्याप्त देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो योजनाएं हैं वो राज्य के स्तर पर अकुशल नीतियों का भी होना एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अनुसंधान और विकास अवसंरचनाओं का अभाव, जिससे हम जटिल और जो विशिष्ट वस्तुएं हैं उनके निर्यात को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान अवसंरचना का विकास करना होगा, जिससे हम इस तरह की फैसिलिटी हैं वो प्रदान कर सकें। अगर हम बात करें वो 5 प्रमुख वस्तुओं की जिनमें निर्यात में मैक्सिमम भागीदारी है, तो उसमें नंबर 1 पर आता है जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं वो, यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनका सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। इसके अलावा देखिए 7% आपको जैसे कि बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मोती हो गए, बहुमूल्य धातुएं हो गई, ये सारी चीजें रतन वतन जैसे हो गए, वो आपको देखने को मिलेंगी। महिलाओं वाली चीजें आपको, जैसे कि हार नौ लक्का हार वाली चीजें आपको देखने को मिलेगी। 5% आपको देखने को मिलेगा जैसे कि जो ड्रग्स ब्रग्स होता है, औषधियां होती हैं, वो देखने को मिलेगा। 4% आपको स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी, और 3% आपको लोह और इस्पात आपको देखने को मिलेगा। अन्य 68% में आता है। उन देशों की भी बात कर लेते हैं जिनके जिनको हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा चीजों को बेचते हैं, उस सबसे ज्यादा चीजों को हम किसको बेचते हैं, हम अमेरिका को बेचते हैं। इसलिए अमेरिका हमारे साथ भुगतान संतुलन के घाटे में रहता है। ओके, इसीलिए अमेरिका थोड़ा बेचारा चिल्लाता रहता है। एक वो हम तो उससे रक्षा सामान ज्यादा खरीद लेते हैं तो उसकी थोड़ी कंडीशन ठीक हो जाती है, वरना और भी कंडीशन खराब हो जाए। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, जो 17% है अकेले हम
संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी चीजें बेचते हैं, दूसरा आप देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर चीन, हम चीन से हम घाटे में रहते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं चौथे नंबर पर हांगकांग, फिर सिंगापुर, फिर अन्य देश आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं इनका क्रम, ओके। क्रम कई बार पूछ लेता है और इसका भी आपको थोड़ा क्रम ध्यान रख लेना है, और कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया एक्सपोर्ट पहल है, इसको प्रारंभ किया गया। इंडिया एक्सपोर्ट पहल को प्रारंभ किया गया, इसके तहत 2022 तक जो एमएसएमई हैं इनका एक्सपोर्ट निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया 50%। अभी भी आपको देखने को मिलेगा एमएसएमई के द्वारा कुल निर्यात किया जाता है वो 40% निर्यात है वो एमएसएमई के द्वारा ही किया जाता है, इसको बढ़ा करके 50% पर लाने का प्रयास किया गया यहाँ पर, तो लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए इन्फो पोर्टल भी जारी किया गया जिसमें बहुत सारी जानकारियां भी दी जाती हैं, ओके। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी कि एक निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड है, इसका जो गठन है वो 1957 में किया गया था। इसका उद्देश्य था जो जो एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं व्यापारी हैं उनको घाटा ना हो, तो उसके संबंध में यहाँ पर जोखिम बीमा प्रदान करता है। तो इसके लिए यहाँ पर निर्भीक योजना प्रारंभ की गई थी। तो देखिए इनको थोड़ा थोड़ा देख लेना, एकदम रटने नहीं बैठ जाना है। निर्भीक योजना प्रारंभ की गई थी, निर्भीक योजना एक कम प्रीमियम पर जो छोटे निर्यातक होते हैं इनके लिए उच्च बीमा कवर देता है, ओके, जिससे वो क्या हो भाई अच्छे से बेफिक्र होकर के आगे निर्यात को बढ़ाते रहे, बना डर डर के अरे हमारा पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा, अगर सिर्फ डूब गया तो क्या होगा, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर उत्पादन में समृद्ध प्रोत्साहन है उसकी भी बात यहाँ पर की गई, कौन से 13 उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, नीति आयोग ने एक जो इंडेक्स है वो रिलीज किया है, नीति आयोग ने ईपीआई इंडेक्स जिसको एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स बोलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके बारे में बता देते हैं। इसका उद्देश्य इस इंडेक्स इंडेक्स मतलब इस सूचकांक है, इसमें इस सूचकांक के माध्यम से दिखाया जाता है कोई राज्य है जो भारत कुल निर्यात करता है उस निर्यात में सभी राज्यों की कितने कितने हिस्सेदारी है, यानी कि वैश्विक निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है उसमें क्षेत्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्थाओं की क्या भूमिका है उस भूमिका को दिखाता है, यानी कि किस राज्य की कितनी भूमिका है वो चीज देखने को मिलेगी। और इससे क्या होगा सभी राज्य हैं वो अपने अपने स्तर पर इस चीज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जैसे इसमें पता चलेगा कि कौन से राज्य की स्थिति अभी कौन से नंबर पर है तो वो थोड़ी सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नंबर एक ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका नाम क्या है ईपीआई। तो पूछा जा सकता है किसके द्वारा किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता, देखिए राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता क्या है, इसे न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसे अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ओके। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा इसका गठन है वो 2006 में इसका गठन किया गया था, इसका उद्देश्य है भारत की सामरिक और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं इनको बढ़ावा देना। किस प्रकार की परियोजनाएं, जो निर्यात परियोजनाएं हैं, किस प्रकार की परियोजनाएं हैं, जो निर्यात परियोजनाएं हैं इनको बढ़ावा देना, ओके। तो इसमें देखिए निवेश है वो 1,650 करोड़ का अभी निवेश किया गया है, आपको देखने को मिलेगा 2021-22 से लेकर के 2025-26 के बीच में, ओके। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस समुद्री क्लस्टर है इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा जो गिफ्ट सिटी है इसी गिफ्ट सिटी में ही इसकी स्थापना की गई है। तो गिफ्ट सिटी में प्रथम IMSC की स्थापना की गई है जिसे समुद्री सेवा क्लस्टर, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर के नाम से जानते हैं। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ आपको हब के रूप में देखने को मिलेंगी, जैसे कि मोबाइल कहीं पर बनता है तो मोबाइल बहुत जगह पर बहुत सारे मोबाइल अलग अलग कंपनियों के उत्पादन होने लगे एक जगह, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक तरह से क्लस्टर बोल देते हैं, ओके। तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी, ओके। तो देखिए जो ये आपको देखने को मिलेगा IFSC है, ये क्या है, तो ये आपको एकमात्र भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आपको देखने को मिलेगा।
गिफ्ट सिटी इसकी इसकी फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जिसको बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्याज इक्वलाइजेशन योजना। ब्याज इक्वलाइजेशन योजना है, ये क्या है, ये भी निर्यात को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। इसके माध्यम से जो निर्यातक हैं वो जब ऋण लेते हैं उस ऋण में थोड़ा सा सहयोग दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो 3 से 5% तक यहाँ पर सब्सिडी अब गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन प्रारंभ में क्या होता है, जैसे कि अगर किसी को 100 रुपए का ब्याज चाहिए, 100 रुपए का ब्याज चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा, और बैंक है वो इसको 100 रुपए का ऋण देगी। क्या देगी, 100 रुपए का ऋण देगी, तो ऋण है मानते 10% पर वो देती है सभी के लिए, तो इसको भी 10% पर देना चाहिए। लेकिन क्या है, इसको वो क्या देगी, कम पर देगी, कितना, 3 से 5% कम पर देगी, तो मानते हैं इसको 7% पर ब्याज दिया, तो बैंक को तो इस पर घाटा होगा। तो देखिए यहां पर गवर्नमेंट है वो तत्काल यहां पर सब्सिडी नहीं देती है, वो क्या करेगी, बैंक है वो कम ब्याज दर पर इसको ऋण उपलब्ध करा देगी। अब गवर्नमेंट है वो शेष बचा हुआ जो पैसा है इस पैसे की भरपाई कर देगी, यानी कि इसमें से कितना 3% शेष बचा है ना, इस 3% को गवर्नमेंट के द्वारा पे कर दिया जाएगा बस, और कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं देखने को मिलेगी। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए सभी जो एमएसएमएस के द्वारा सभी वस्तुओं को निर्यात किया जाता है उनको शामिल किया गया है, लेकिन जो अन्य निर्यातक हैं उनके लिए स्पेशली कुछ वस्तुओं को यहाँ पर चिन्हित किया गया है, जैसे 416 वस्तुओं को चिन्हित किया गया है, उनमें इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी और सभी में नहीं दी जाएगी। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन से संबंधित कुछ घटनाक्रम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कृषि पर समझौता, कृषि पर समझौता क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने कहा है जो कृषि पर समझौता है वो विकासशील देशों के पक्ष में नहीं है। क्यों पक्ष में नहीं है, तो देखिए जो कृषि पर समझौता एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो इसका जो लक्ष्य है जो कृषि उत्पाद होते हैं मतलब कृषि के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको उसको थोड़ा सा निष्पक्ष बनाना और कम विकृत बनाना। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सहूलियत दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं आयात निर्यात पर, वो उनको समाप्त कर देना, उनको क्या कर देना, समाप्त कर देना। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा घाटा होगा। कैसे घाटा होगा, अब देखिए चाइना है या फिर अन्य देश हैं वो क्या करेंगे, भारत में डंपिंग कर देंगे, बहुत बड़ी मात्रा में चीजों को भेज देंगे, लेकिन हमारी यहाँ भी टेक्नोलॉजी उतनी हाई नहीं, हमारे किसान हैं उतनी उच्च गुणवत्ता की चीजें उत्पादित नहीं कर पाते हैं, हमारे यहाँ की जो कृषि है उसकी उत्पादकता कम है, लागत आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जिस कारण हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं कृषि उत्पादों को। तो अगर हम ओपन कर देंगे, अगर एकदम ओपन कर देंगे, गवर्नमेंट अगर ओपन कर देगी, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगी, तो हमारे किसान है वो क्या हो जाएंगे, लुट जाएंगे बेचारे। तो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर जो निष्पक्षता की बात की जा रही है ये विकासशील देशों के पक्ष में नहीं है। तो देखिए कब लागू किया गया था, तो आपको देखने को मिलेगा जो एओए जो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा, ये 1995 में ये लागू किया गया था। इसके अंतर्गत बाजार तक पहुंच है इसको एकदम निष्पक्ष बनाया जाता है, निष्पक्ष ऐसे बनाया जाए कि जितने भी प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों को हटा करके सिर्फ कर और शुल्क हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाने की बात की जाती है। इसके अलावा जितने भी घरेलू समर्थन दिए जाते हैं उनको हल्के हल्के कम किया जाएगा और साथ में उनको या फिर समाप्त कर दिया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है किसानों के लिए उन सब्सिडी को उन सहायताओं को समाप्त कर दिया जाएगा। हमारे किसान है वो अभी गरीब हैं, इतने ज्यादा सक्षम नहीं है कि गवर्नमेंट उनसे एकदम हाथ ही खींच ले, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते भाई। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये विकासशील देशों के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं निर्यात प्रतिस्पर्धा, निर्यात प्रतिस्पर्धा के लिए जैसे निर्यात के लिए भी जो सब्सिडी दी जाती है उस सब्सिडी को भी बंद करने की बात की जाती है या फिर समाप्त करने की या फिर कम करने की बात की जाती है, जिससे निर्यात में प्रतिस्पर्धा है वो बनी रहे। अब देखिए विकसित देशों के लिए उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है उनके लिए तो वो सही है, लेकिन हमारे लिए वो अभी इतनी सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो WTO है उसके द्वारा यहाँ पर कुछ बॉक्स हैं वो
बनाए जाते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को रखा जाता है, जैसे कि ये ग्रीन बॉक्स होता है। तो देखिए ग्रीन बॉक्स क्या होता है, ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत जिन कृषि उत्पादों को रखा जाता है उनमें किए जाने वाले उपायों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, उनमें वृद्धि तो की जा सकती लेकिन कटौती नहीं की जा सकती, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो जैसे कि पीडीएस सिस्टम के तहत विकासशील देशों के द्वारा खाद्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो थोड़ी सहायता दी जाती है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसे ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसके अलावा देखिए एक अंबर बॉक्स होता है, अंबर बॉक्स में देखिए जो कृषि उत्पादन और व्यापार के लिए यहाँ पर घरेलू समर्थन दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके माध्यम से जो किसान होते हैं वो अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं और वो उत्पादन करने में थोड़ा सा आत्मविश्वास उनके अंदर आ जाता है कि हमारा फसल है इतने में कम से कम तो बिकेगा ही बिकेगा, और साथ में वो अपने आप को जैसे कि किसी कारणवश ज्यादा उत्पादन हो गया तो ऐसा नहीं है उनकी फसल को कौन खरीदेगा, उतने में तो गवर्नमेंट खरीदेगी खरीदेगी ना। तो यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी घोषणा की जाती है, सरकार के द्वारा बहुत सारी खरीदारियां हैं वो की जाती है, उर्वरक हैं उन पर भी उर्वरक हैं वो भी प्रदान किए जाते हैं, सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध कराया जाता है, ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है, विद्युत भी उपलब्ध कराया जाता है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। यानी कि जिन चीजों पर ये सारी चीजें दी जाती हैं उन्हें अंबर बॉक्स के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा आपको ब्लू बॉक्स देखने को मिलेगा, देखिए ब्लू बॉक्स है वो अंबर बॉक्स का ही आपको एक रूप देखने को मिलेगा, बस इसमें क्या है इसमें भी सब्सिडी दी जाती है, इसमें भी इस गवर्नमेंट के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, सहयोग दिया जाता है, लेकिन ये सहयोग इसलिए होता है उत्पादन को सीमित करने के लिए ना कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से आपको विभेद उपाय भी देखने को मिलेंगे, इसमें देखिए निवेश सब्सिडी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि जो इनपुट्स होते हैं जिसको आघात बोलते हैं उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा समर्थन दिया जाता है, उन चीजों को रखा जाता है, जैसे कि किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए, किसानों के लिए हल खरीदने के लिए, किसानों के लिए पंप सेट खरीदने के लिए, किसानों के लिए फाड़वा खरीदने के लिए, किसानों के लिए हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए जाएं, किसानों के लिए बाड़ लगाने के लिए अपने खेत में पैसे दिए जाएं, कुआं खुदवाने के लिए पैसे दिए जाएं, यानी कि एक तरह से इनपुट्स जो होते हैं उनके लिए अगर पैसा दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, सहयोग दिया जाता है, उन चीजों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ओके तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कृषि पर समझौते की बात करें तो यहाँ पर सबसे नंबर वन आपको देखने को मिलेगा एओ की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर उरुग्वे दौर के दौरान जो उरुग्वे दौर था इसमें 1986 से 1994 तक बहुत सारी वार्ता यानी कि बैठक हुई थी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो निर्धारित की गई थी। तो देखिए जो WTA के सदस्यों के द्वारा उरुग्वे में जो वार्ताएं हुई थी इसमें हस्ताक्षर किए गए थे, और हस्ताक्षर करके आपको देखने को मिलेगा जो AOA है इसको प्रभावी बनाया गया था। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि जो सदस्य देश हैं वो प्रतिबद्धता उन्होंने जाहिर की कि जो सब्सिडी है और साथ में घरेलू समर्थन है हम उसको कम करेंगे और या फिर हम उसको समाप्त कर देंगे, यानी कि उन्होंने इसके परिप्रेक्ष्य में अपनी प्रतिबद्धता है वो जाहिर की, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम भी ऐसा करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल किए गए, तो इसमें देखिए जैसे कि खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण के साथ में कुछ ऐसे भी मुद्दे शामिल किए गए जो गैर व्यापारिक मुद्दे थे, तो गैर व्यापारिक मुद्दों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। ओके इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को कृषि संबंधी विशेष सुरक्षा उपायों को इसमें दिया गया, देखिए इसमें एक विशेष और विभेदक दो चीजें इसमें, देखिए एक स्पेशल दूसरा डिफरेंशियल दो चीजें इसमें शामिल की गई थी। ओके तो देखिए इसमें जो विकासशील देश थे उनको थोड़ी सी छूटें दी गई और जो विकसित देश थे उनको कम छूटें दी गई, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको देखने को मिलेगा जो उरुग्वे है, एक सेकेंड देखिए जो आपको देखने को मिलेगा ये क्या हो गया, अब सही हो गया। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा उरुग्वे दौर के दौरान आपको देखने को मिलेगा जो घरेलू समर्थन है इसके लिए कुछ श्रेणियां हैं वो निर्धारित की गई, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा डी मिनिस्मी आपको देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या था, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं घरेलू समर्थन है उसकी न्यूनतम मात्रा है वो निर्धारित की गई,
तो देखिए जो एम्बर बॉक्स होता है, तो एम्बर बॉक्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, ऐसे कृषि उत्पाद जिनमें घरेलू समर्थन है वो दिया जा सकता है, लेकिन उसकी एक निश्चित मात्रा डिसाइड की गई। हाँ, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो देना चाहते हैं, कुछ चीजें हैं जिनमें आप सपोर्ट दे सकते हैं, घरेलू समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उसकी न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वो इसमें डिसाइड की गई। जैसे कि जो विकसित देश हैं, तो विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 5% और जो विकासशील देश हैं उनको उत्पादन मूल्य का 10% है वो इसमें निर्धारित किया गया था। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आपको पीस क्लॉज देखने को मिलेगा। देखिए पीस क्लॉज का था, देखिए पीस का मतलब क्या होता है, शांति। देखिए पीस क्लॉज क्या था, इस पीस क्लॉज के अंतर्गत यहाँ पर अगर कोई देश है वो सीमा से ज्यादा, जैसे इसमें 10% बोला गया था, लेकिन वो उसका उल्लंघन कर दे, वो क्या कर दे, वो समर्थन है वो 10% की जगह पर 20% दे दे, 30% दे दे, यानी कि उसने सीमा से ज्यादा घरेलू समर्थन दे दिया। तो देखिए अगर कोई ऐसा करता था तो पीस क्लॉज के अंतर्गत उसको संरक्षण दिया जाता था कि WTO के जो अन्य सदस्य हैं वो उसको इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते थे। तो देखिए देशों के द्वारा सीमा का अगर उल्लंघन किए जाने के संबंध में संरक्षण दिया जाता था, लेकिन इसे 2004 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसे पुनः 2013 में 4 वर्ष के लिए पुनः बाली सम्मेलन में इसको प्रारंभ किया गया था। तो बाली सम्मेलन में आपको ध्यान रखना है इसको पुनः प्रारंभ किया गया था। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आबादी के अनुसार खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ऐसा किया गया था। इसके अलावा देखिए आपको दोहा दौर देखने को मिलेगा। दोहा दौर जो नवंबर 2001 में प्रारंभ हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए जो दोहा दौर आपको देखने को मिलेगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो दोहा दौर में गैर कृषि बाजार पहुंच, जैसे कि सेवाओं, विवाद निपटान, डोपिंग रोधी शुल्क, सब्सिडी, कृषि से जुड़े मुद्दे हैं, इन पर चर्चा की गई थी। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 2013 में बाली सम्मेलन हुआ, तो 2013 में जो बाली सम्मेलन हुआ इसमें फूड सिक्योरिटी है इसके स्थायी समाधान पर चर्चा की गई कि हम फूड सिक्योरिटी है इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन बॉक्स है इसको, इसके विस्तार की बात की गई, यानी कि ग्रीन बॉक्स को और ज्यादा विस्तारित किया जाए। ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत जिन चीजों को रखा रख दिया जाता है उसमें क्या किया जाता है, उनके उपायों में कटौती नहीं की जाती है, यानी कि देश है उसमें कटौती नहीं कर सकता है। वृद्धि तो की जा सकती है सदस्यों के द्वारा, लेकिन कटौती नहीं की जा सकती। तो देखिए इसको बढ़ाने की बात की गई, अब इसको बढ़ाया जाएगा तो विकासशील देशों के लिए ये हितकारी नहीं होगा। इसके अलावा देखिए एक्सपोर्ट में यानी कि निर्यात में जो सब्सिडी दी जाती है उसको कम करने की बात की गई। तो बाली में किन किन चीजों को फोकस किया गया, बाली में एक फूड सिक्योरिटी पर चर्चा की गई, दूसरी ग्रीन बॉक्स है उसको बढ़ाने की बात की गई, इसके अलावा एक्सपोर्ट सब्सिडी है उसको कम करने की बात की गई। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए 2015 में नौरोबी पैकेज है, इसमें क्या कि बोला गया था कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है इसको पूरी की पूरी समाप्त करने की बात की गई थी। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर हम भारत की चिंताओं की बात करें। देखिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जिसको AOA बोलते हैं, इस पर भारत की चिंताएं क्या है, तो देखिए एक तो विवाद रहता है सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग पर। जैसे हम क्या करते हैं, सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के माध्यम से अनाजों को खरीदते हैं और गवर्नमेंट है उस अनाज को अपने पास में रखती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमारी गरीब लोगों के लिए वो बांटती है, आपातकालीन स्थितियों में भी बांटती है। तो देखिए यहाँ पर इसकी मनाही की जाती है कि गवर्नमेंट है वो अधिक से अधिक मात्रा में इस प्रकार का ना खरीदे। ओके, तो इसकी भी मनाही की जाती है, लेकिन हमारा यहाँ विकासशील देश है, हम एक कल्याणकारी राज्य है, हम अपने लोगों के लिए भूखे थोड़ी ना मरने दे सकते, तो यहाँ पर विवाद बना रहता है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो विकसित देश हैं वो उच्च उच्च मात्रा में कृषि सब्सिडी देते हैं और उसके लिए यहाँ पर निर्यात सब्सिडी के दायरे से उसको बाहर रखा गया है, तो एक समस्या ये बनी रहती है। देखिए जो विकसित देश हैं वो अपने किसानों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर बहुत पैसा दे देते हैं जिससे वो निवेश करने में सक्षम होते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन उसे निर्यात सब्सिडी से बाहर रखा गया है, तो उनको एक तरह से समर्थन मिल रहा है, लेकिन हमारे किसानों को हम उनको समर्थन दे रहे हैं तो वहां पर आप आकर के हल्ला हू कर रहे हैं, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पर भेदभाव भी किया जाता है। जो आपको वैश्विक
जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, निगम देखने को मिलेंगे, ये थोड़ा पक्षपात करते हैं, ये पश्चिमी देशों से इनका लगाव ज्यादा देखने को मिलेगा। और हमारे जैसे विकासशील देश हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में इनका जो नजरिया होता है वो अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो विकसित देश हैं वो हमारे उत्पादों को सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी के माध्यम से तकनीकी बाधाएं लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। ये क्या है, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी क्या होता है? यहाँ पर बायो सिक्योरिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं जैसे हमारे देश में आलू का उत्पादन हुआ, वो कहते हैं ये आलू है, इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया, रसायन का उपयोग किया गया, इसको हम नहीं खाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो अपने देश में वो उसको प्रवेश ही नहीं करने देते। अब भाई प्रवेश ही नहीं होगा, उनके बाजार में पहुंचेगा ही नहीं, तो बिकेगा कैसे? वो किस आधार पर बैन कर देते हैं? बायो सिक्योरिटी के आधार पर बैन कर देते हैं, जिसको फाइटोसैनिटरी बोलते हैं। वो खाली में इसीलिए लगाते हैं, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस, हम लोग क्या वो आलू नहीं खाते हैं, हम भी तो भाई आलू खाते हैं। ओके, वो सिर्फ इस आधार पर लगा देते हैं, संरक्षण कर देते हैं कि हम वैसे तो नहीं लगा सकते, लेकिन इस आधार पर तो लगा सकते हैं ना। तो बड़े चालाक होते हैं लोग, क्या कह सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सर्विसेस डोमेस्टिक रेगुलेशन की अगर हम बात करें, जिसको एसडीआर बोलते हैं, तो एसडीआर की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के 67 सदस्य देशों ने यहाँ पर एसडीआर पर अपनी वार्ता है वो संपन्न की है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सविस्तार में बात कर लेते हैं। तो देखिए सेवा में व्यापार और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जिसको गेट्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें जो गेट्स है, ये कब आया, तो जो उर्गवे वार्ता है उसी के दौरान एक गेट्स है, ये प्रभाव में आया था। ओके, तो देखिए ये जो गेट्स है, जैसे कि आपने देखा अभी हम लोग बात कर रहे थे गुड्स की, लेकिन सर्विसेज के लिए कोई रूल, कोई इस तरह का फ्रेमवर्क नहीं था। तो जो गेट्स है वो क्या करता है, सर्विस सेक्टर में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स यानी कि नियमों का एक फ्रेमवर्क, एक खाका प्रदान करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। तो देखिए यहाँ पर दो अपवाद देखने को मिलेंगे। देखिए जो सरकारी प्राधिकरण है, इनके लिए अगर किसी सेवा की आपूर्ति की जाती है तो उसके लिए इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो हवाई यात्रा है, हवाई परिवहन सेवाएं हैं, उनको भी प्रत्यक्ष रूप से जो जुड़ी सेवाएं होती हैं उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है, मतलब गेट्स के अंतर्गत वो नहीं आती। तो गेट्स है वो क्या करता है, गेट्स क्या है, एक आपको नियमों का आपको एक सूची देखने को मिलेगी, एक फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा, जो किससे संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय सेवा निर्यात से संबंधित है। किससे, अंतरराष्ट्रीय सेवा निर्यात से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। देखिए गेट्स के माध्यम से क्या करते हैं, ये चार मोड पर लागू होता है, जो गेट्स है चार मोड पर लागू होता है। ये चार मोड का क्या मतलब है, देखिए इधर मोड के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। तो देखिए नंबर एक आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हम इधर हट जाते हैं जिससे आपको दिख सके। देखिए मोड नंबर वन है, मोड नंबर वन में आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यूटीओ के जो सदस्य हैं आपस में, मतलब जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं ये आपस में, मतलब एक देश से दूसरे देश में ऑनलाइन यहाँ पर आर्किटेक्चर योजनाओं को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मोड वन यहाँ पर लागू होता है। इसी तरह से मोड टू है वो तब लागू होता है जब अंतरराष्ट्रीय जो पर्यटक हैं वो जाकर के किसी दूसरे देश में सेवाओं का उपभोग करते हैं। जैसे कि डब्ल्यूटीओ के जो सदस्य देश हैं, तो एक सदस्य देश का कोई नागरिक है वो दूसरे सदस्य देश के देश में जाता है पर्यटन टूरिज्म के उद्देश्य कि चलो चलते स्विट्जरलैंड में जाकर के मजे लूट करके आते हैं थोड़े से। तो वो जाता है स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड में जाकर के किसी सेवा का निर्यात करता है, यानी कि सेवा लेता है। तो उसके संरक्षण के लिए उपभोग जब करता है तो वहां पर मोड टू यहाँ पर लागू होता है। इसी तरह से मोड थ्री है वो कब लागू होता है, तो जो विदेशी बैंकें हैं तब वो अपनी सेवाएं देने के लिए सदस्य देश के देश में अपनी दूसरी ब्रांचेस, दूसरी शाखाएं खोलती हैं और जाकर के वहां पर सर्विसेज देती हैं, तो वहां पर मोड थ्री लागू होता है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा मोड फोर। मोड फोर कब लागू होता है, गेट्स में मोड फोर तब लागू होता है जब संगीत होता है, बैंड्स होता है, ये भी क्या है, सर्विसेस ही है, क्या है, सेवा ही है।
इस सेवा को दूसरे देश में जाकर के दिया जाता है, एक तरह से निर्यात किया जाता है उसका। तो यहाँ पर मोड 4 लागू होता है। गेट्स का क्या लागू होता है? मोड 4 लागू होता है। तो यही क्या है, गेट्स के आपको 4 मोड देखने को मिलेंगे जिनके आधार पर ये लागू होता है। ओके, एक मिनट। ओके, देखिए ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए जो गेट्स है वो विवादों के निपटारे के लिए एक तंत्र है, एक सिस्टम है, वो भी प्रदान करता है। जैसे कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद के समाधान के लिए भी यहाँ पर एक तंत्र है, वो प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा कि जो SDR है वो क्या है। तो SDR एक WTO का सेट है सेवाओं के नियमों पर, पहला आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, तो देखिए जो सदस्य देश हैं इन सदस्य देशों के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड का 90% है वो किया जाता है। जो WTO के जो सदस्य हैं उन सदस्य देशों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितनी हिस्सेदारी है, 90% से भी अधिक आपको देखने को मिलेगी। अगर इसमें किसी नए सदस्य को जोड़ना है तो उसके लिए यहाँ पर मोस्ट फॉरवर्ड नेशन है उसकी शर्तों का पालन करना होगा, तो नए सदस्य को भी इसमें ऐड किया जा सकता है। ओके, तो और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं देखने को मिलेगी। आखिर मोस्ट फॉरवर्ड नेशन क्या होता है, आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है। तो मोस्ट फॉरवर्ड नेशन कुछ भी नहीं होता, कुछ नियम कुछ शर्तें होती हैं उन्हें पूरा करना होता है कि इतना ट्रेड है वो करना पड़ेगा, तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो उसे हम बोल देते हैं मोस्ट फॉरवर्ड नेशन के अंतर्गत उसको रख देते हैं। अगर हम संभावित लाभ की बात करें तो इससे लागत है वो क्या होगी, कम होगी। ओके, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण है वो भी बढ़ेगा इसके माध्यम से। देखिए SDR प्रक्रिया की बात करें, SDR प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, तो देखिए SDR प्रक्रिया में पहले है वो उद्देश्य की अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य एक कुशल नियामकीय तंत्र है उसकी स्थापना करना जिससे सेवाओं के निर्यात आयात में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो नियामकीय तंत्र मतलब एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, उसका गठन करना। ओके, उसका विकास करना। दूसरा अगर हम साधन की बात करें तो यहाँ पर नए नियम है वो बनाना, उनका विकास करना। और देखिए आपको तीसरा इसमें देखने को मिलेगा कि अगर SDR की प्रक्रिया को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो देखिए जब नए नियम है उन नए नियमों के माध्यम से लाइसेंस और पात्रता से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों का सुलटारा किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मानक होते हैं मानकों के मामले में इनका उपयोग किया जाएगा। अगर हम लाभ की बात करें तो इसके माध्यम से ये जो नियमों का जो नियम है जो रूल्स है उनकी एक स्पष्ट जानकारी होगी। अगर उनकी स्पष्ट जानकारी होगी तो किसी भी देश में जाकर के उनका अनुपालन करना, पालन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम अन्य लाभ की बात करें, इससे लागत कम होगी और साथ में व्यापार वाणिज्य है वो थोड़ा सा सुलभ होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि COVID-19 टीका और बौद्धिक संपदा अधिनियम की बात की जा रही है। ओके, देखिए इसका अमेरिका ने अभी समर्थन किया है, अभी आप लोगों के लिए बताते हैं। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है COVID-19 के टीके के लिए यहाँ पर बौद्धिक संपदा है इसके संरक्षण का जो अधित्याग है वो उसका समर्थन किया है, समर्थन की घोषणा की है। एक कॉपीराइट से संबंधित आपको देखने को मिलेगा, जैसे बौद्धिक संपदा पर क्या होता है, एक एकाधिकार होता है, जैसे कि जिसको बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है जैसे कि हमने किसी दवा को बनाया, मैंने किसी दवा का इजाद किया, मैंने किसी दवा को बनाया और उस दवा पर मैं क्या ले लेता हूँ, पेटेंट ले लेता हूँ, तो मेरे इजाजत के बिना ना उसको कोई बेच सकता है ना ही उसका निर्माण कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन COVID-19 जैसी महामारी के दौर में अगर हमें सिर्फ लाभ देखा जाए, जैसे मैंने किसी दवा को किसी वैक्सीन को बना लिया, अब मैं बोल रहा हूँ 1 लाख की एक वैक्सीन बिकेगी, भले उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 1 पैसे क्यों ना आ रही हो, मैंने बोला 1 लाख की है तो 1 लाख कर की बिकेगी बिकेगी। अब एक देश है, मानते हैं किसी देश ने बना ली वो वैक्सीन, अब किसी देश ने वो वैक्सीन बना ली और हमको फॉर्मूला पता है, फिर भी वो वैक्सीन हम नहीं बना सकते, हमारे यहाँ के
लोग हैं वो मर रहे हैं, विश्व में अन्य जगह के भी लोग मर रहे हैं, लेकिन वो देश है वो इतनी महंगी वैक्सीन बेच रहा है, लेकिन उस वैक्सीन के पता होने के बावजूद, उसका फॉर्मूला पता होने के बावजूद हम उसको नहीं बना पा रहे हैं। तो देखिए, ये मानवीय तथ्य के, मानवीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये तो सही नहीं है। कोई इंसान मर रहा है और हमको पता है हम इसको कैसे बचा सकते हैं, और फिर भी हम नहीं बचा रहे। तो देखिए, यहां पर बात किया गया है जो बौद्धिक संपदा है, ओके, इसकी अधित्याग की बात की गई है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अभी आपको बताते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जेनरिक दवाई है जैसे उसको बना दिया जाता है। अधित्याग का मतलब है कि बौद्धिक संपदा, जैसे मैंने वो वैक्सीन बनाई उस पर मेरा पेटेंट है, तो मेरे इजाजत लिए बिना उसकी एक जेनरिक दवाई, उसका एक तरह से कॉपी बना लेना, ओके, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है, एक तरह से पहल आपको देखने को मिलेगी, ये अभियान देखने को मिलेगा जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा शुरू किया गया था कि जो COVID-19 है, COVID-19 है, इसकी वैक्सीन है वो सभी तक सुलभ रूप से पहुंच सके। जब ये अभियान भारत और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो बाद में WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा UNAIDS देखने को मिलेगा जो एड्स के क्षेत्र में काम करता है, यूनाइटेड नेशन का आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन संगठनों सहित 100 से अधिक देशों ने इस अभियान का समर्थन किया, और इसी क्रम में अमेरिका ने भी अभी हाल ही में इसका समर्थन करने की घोषणा की है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम UNAIDS की बात करें तो इसका लक्ष्य 2030 तक हम HIV के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे हैं इसको पूर्ण रूप से क्या कर सके, समाप्त कर सके। तो इसका वैश्विक नेतृत्व है वो UNAIDS के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए, आपको देखने को मिलेगा कोवैक्स। कोवैक्स क्या है, एक वैश्विक पहल है इसके माध्यम से कि जो COVID-19 है, COVID-19 टीका है, इस सुलभ रूप से सभी को सुनिश्चित हो सके, तो एक पहल आपको वैश्विक पहल देखने को मिलेगी। ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो जो कोवैक्स जो पहल है, वैश्विक पहल है, ये WHO और यूरोपियन संघ और साथ में फ्रांस, इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, ओके। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज इतनी नहीं देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर ट्रिप्स के बारे में। देखिए जो ट्रिप्स है, तो ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स पर हुए समझौते हैं, इसके अंतर्गत COVID-19 के तहत जो वहनीय चिकित्सा उत्पाद है इनकी समय पर जो पहुंच है उसको पहुंचाने के लिए इस अधिकार के अधित्याग की बात की गई है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर आपको बताएं। देखिए यहाँ पर ट्रिप्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, जो ट्रिप्स है वो 1985 में आया था। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो उरुग्वे आईपी आपको देखने को मिलेगा, उरुग्वे आईपी मतलब जो बौद्धिक संपदा है, ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं, ओके। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा, नियमों पर ये प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा WTO के सदस्यों के द्वारा इसका अनुपालन है वो किया गया, तो न्यूनतम मानक हैं वो निर्धारित किए गए थे। और ट्रिप्स में जो पेरिस कन्वेंशन है, तो पेरिस कन्वेंशन किस लिए किया गया, तो पेरिस कन्वेंशन है वो औद्योगिक संपदा के लिए किया गया था, औद्योगिक संपदा। और इसी तरह से बर्न कन्वेंशन है वो किसके लिए किया गया था, साहित्य एवं कलात्मक कृतियां होती है, जैसे आपने कोई पेंटिंग बनाई, आपने कोई बुक लिखी है, तो आप पर क्या होगा, उसका कॉपीराइट होगा। तो कॉपीराइट किसके अंतर्गत मिलेगा, बर्न कन्वेंशन के अंतर्गत यहाँ पर ये सारी चीजें दी जाती है। इसी तरह से पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि पेटेंट राइट्स होते हैं, औद्योगिक डिजाइन जो होती है उन पर आपको क्या दिया जाता है, एक तरह से एकाधिकार दिया जाता है, ओके। तो इनमें क्या होगा, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं ट्रिप्स के अंतर्गत शामिल की गई, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, भौगोलिक संकेत जिसको बोलती है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोलती है, GI के नाम से जिसको जानते हैं, औद्योगिक डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट की लेआउट आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत तो शामिल की जाती हैं। ट्रिप्स समझौता है ये दोहा घोषणा पत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं फिर आप लोगों के लिए बताते हैं। तो देखिए जो दोहा घोषणा पत्र है 2001 में है, इसके लिए अनिवार्य लाइसेंस है, इसको इसको अनुमति दी गई। देखिए अनिवार्य लाइसेंस क्या है, अनिवार्य लाइसेंस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं।
अनिवार्य लाइसेंस है, इसका मतलब है कि जो पेटेंट धारक होते हैं इनकी सहमति के बिना यहाँ पर पेटेंट अधिकारों का उपयोग करना आपको देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से हम जेनेरिक दवाई हैं वो बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर जेनेरिक दवाई की बात करें तो भारत इसमें बहुत आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए चाय की अगर हम बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाय के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताते हैं। अगर चाय निर्यात की बात करें तो यहाँ पर जो यूरोपियन संघ है, देखिए हमने आपको बताया था ना, यूरोपियन या जो पश्चिमी देश हैं बड़े चालाक होते हैं, आपको देखने को मिलेगा जो यूरोपियन संघ है, आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी चाय है इसमें एक प्राकृतिक रूप से हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। इसके लिए इन्होंने कीटनाशक बता दिया जिसका नाम है एंथ्राक्विनोन, आपको देखने को मिलेगा। इसको बोले हैं ये क्या है, एक कीटनाशक है जो कहाँ पाया जाता है, चाय में पाया जाता है। लेकिन अगर हम एंथ्राक्विनोन की बात करें तो एंथ्राक्विनोन है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ये कोई कीटनाशक नहीं है, बल्कि एक आपको हाइड्रोकार्बन या फिर आप इसको प्रदूषक बोल सकते हैं जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन इन्होंने कह दिया ये कीटनाशक है, ऐसा बोल करके हमारी जो चाय है उसके निर्यात को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा देखिए रूस है, तो रूस ने भी चाय के लिए यहाँ पर फलों और सब्जियों की श्रेणी में रख दिया। जब फलों और सब्जियों की श्रेणी में इसको रख दिया तो इस पर उच्च स्तरीय गुणवत्ता के जो मानक हैं, पैरामीटर्स हैं, वो लागू होने लगे, तो इसकी जांच है वो बहुत ही खतरनाक रूप से होने लगी, जिससे आप लोग देखेंगे कि ये काफी प्रभावित हुआ है। अगर हम एंथ्राक्विनोन की बात करें तो एंथ्राक्विनोन है वो पर्यावरण में हर जगह, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जो सी फूड होता है जैसे कि मछलियाँ, जानवरों के जो ऊतक होते हैं इनमें स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। लेकिन उन्होंने कह दिया क्या है, एक कीट है भैया, ओके, बल्कि ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन आपको देखने को मिलेगा। इसका उपयोग है जैसे कि पेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, पेपर उद्योग हो गया, इनमें किया जाता है। इसको जो पक्षी प्रतिकर्षी के रूप में भी इस इंग्रेडिएंट को जाना जाता है एक तरह से। ओके चलिए हम लोग थोड़ा सा भारत में चाय की बात कर लेते हैं। अगर भारत में हम चाय की बात करें तो भारत है वो चाय के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर है, अगर निर्यात के मामले में हम बात करें तो भारत का नंबर है वो चौथा नंबर आता है। तो किसके बाद में, आपको पहले नंबर पर केन्या आता है, दूसरे नंबर पर चीन आता है, तीसरे पर श्रीलंका आता है, और चौथे नंबर पर क्या आता है, इंडिया आता है, मतलब भारत आता है। ओके तो आपको एक क्रम आप लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर हम भारत के कुल चाय निर्यात की बात करें तो 2019 में 830 मिलियन टन है वो मिलियन डॉलर हमने चाय का निर्यात किया था। इसी तरह से आप देख सकते हैं 2020 में 826 मिलियन मिलियन डॉलर है वो हमने, जो अमेरिकी डॉलर है उसका हमने क्या किया, यहाँ पर निर्यात किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में जो चाय पाई जाती है वो उच्च गुणवत्ता की पाई जाती है, इसमें विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है, इसका स्वाद भी काफी अच्छा होता है, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय काफी फेमस है जिसको GI टैग भी मिला हुआ है। इसके अलावा असम की ऑर्थोडॉक्स चाय आपको देखने को मिलेगी और आपको नीलगिरी की भी उच्च श्रेणी की आपको चाय देखने को मिलेगी। और भारत में आपको देखने को मिलेगा दो प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से जिनका उत्पादन किया जाता है, जिसको क्रस्टियर काल्स के नाम से जानते हैं, दूसरा ऑर्थोडॉक्स, दोनों किस्म का उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है जो कि काफी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन समस्याएं क्या है, देखिए समस्याओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पर। तो देखिए चाय निर्यात में बाधाएं क्या है, तो देखिए जो आपको देखने को मिलेगा क्रस्टियर कार्ल जो चाय की प्रजाति पाई जाती है इसमें अत्यधिक इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसके निर्यात में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिससे क्या है किसान थोड़े जो हैं इसके उत्पादन से थोड़ा बचना चाहते हैं। तो दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय है बल्कि आपको देखने को मिलेगा जो दार्जिलिंग चाय है ये काफी अच्छी चाय देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी जो प्रामाणिक जो जो आइडेंटिफिकेशन की जो चीज है, मतलब सिस्टम है, वो तंत्र उतना बेहतर नहीं है, प्रामाणिकता जिसको बोलते हैं उस वो तंत्र इतना ज्यादा बेहतर ना होने के कारण, जो समुचित प्रभाव है समुचित तंत्र का अभाव होने के कारण इसमें समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि बहुत सारे अन्य जगह के लोग भी हैं वो अपनी चाय को दार्जिलिंग चाय के रूप में बेच देते हैं, जैसे कि नेपाल, ओके, जैसे कि भूटान, खासकर नेपाल है वो आपको देखने को मिलेगा कि अपनी चाय को दार्जिलिंग चाय के रूप में अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचता है। अगर
प्रमाणिकीकरण की अगर एक व्यवस्था यहाँ पर होती तो हमें पता चल सकता कि नेपाल है वो अपनी चाय को दार्जिलिंग चाय के रूप में नहीं बेच सकता, जिससे क्या है इसकी गुणवत्ता पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठने लगता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, और जो जीआई टैग का उल्लंघन देखने को मिलेगा, क्योंकि दार्जिलिंग चाय है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैश्विक वित्तीय एकीकरण के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर पूंजी खाता के बारे में बताया गया, पूंजी खाता जिसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए दो तरह के खाते होते हैं, एक आपको देखने को मिलेगा चालू खाता और दूसरा आपको देखने को मिलेगा, एक है चालू खाता दूसरा आपको पूंजी खाता देखने को मिलेगा। चालू खाता के अंतर्गत क्या आता है, जो भी हम एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात करते हैं, अपने देश से दूसरे देशों के अंदर आयात निर्यात करते हैं, तो वो दो ही रूपों में होता है, या तो चालू खाते के अंतर्गत होता है या फिर पूंजी खाते के अंतर्गत होता है। ओके, जो जो भी लेन देन होता है वो इसी के अंतर्गत होता है। तो देखिए जो लेन देन चालू खाते के अंतर्गत आता है उसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया, तो देखिए जो विजिबल ट्रेड होता है, विजिबल ट्रेड का मतलब है जैसे कि हम वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, विजिबल का मतलब है जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि ये बैटरी है मैं इसको देख सकता हूँ, तो ये क्या है विजिबल ट्रेड के अंतर्गत आएगी। और देखिए नॉन विजिबल ट्रेड के अंतर्गत वो आएगा जैसे कि सेवा जो हम प्रदान करते हैं, सेवा सर्विस प्रदान करते हैं, तो सेवा को हम देख नहीं सकते, तो वो इनविजिबल ट्रेड के अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक पक्षीय हस्तांतरण होता है, वो अंतरण जो होता है ट्रांसफर जिसको बोलते हैं वो आता है, निवेश से जो आय होती है मतलब जो भी हम निवेश किए उससे जो आय हो रही है, इनकम हमारी जनरेट हो रही है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो अंतरण होता है मतलब ट्रांसफर किया जाता है जैसे अनुदान के रूप में, गिफ्ट के रूप में, तो वो होता है वो आपको देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत आता है। पूंजी खाते के अंतर्गत क्या आता है, पूंजी खाते के अंतर्गत जैसे कि विदेशी निवेश, विदेशी निवेश जो एफडीआई के रूप में हो सकता है, यानी कि एफडीआई के रूप में हो सकता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं, या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा ऋण लिया जाता है बाहर स्रोतों से वो भी शामिल किया जाता है, बैंकिंग पूंजी होती है वो भी इसमें शामिल की जाती है, और एनआरआई के द्वारा जो जमा राशि है वो रखी जाती है वो भी इसके अंतर्गत आती है। ओके, बहुत विस्तार में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम इकोनॉमिक्स में आप लोगों के लिए पढ़ाई थे, यहाँ पर हम लोग उतने विस्तार में बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लोग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें देख रहे हैं। तो देखिए न्यूज में क्यों है आखिर जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है ये न्यूज में क्यों है, तो देखिए आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने पूंजी खाता परिवर्तनीयता कार्य ढांचे में कुछ मूलभूत बदलावों के संकेत दिए हैं, जिससे एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि पूंजी खाते का हमें उदारीकरण करना चाहिए। क्यों, पूंजी खाता है वो पूर्ण रूप से आपको फ्लेक्सिबल नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप 100 रुपए जो पूंजी खाते के अंतर्गत अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब $100 हैं, $100 के बराबर आपके पास में, जैसे कि मानते हैं अभी $1, इस तरह समझिए $1 है वो कितना है 75 रुपए का है, कितने रुपए का मानते हैं 75 रुपए का है, तो अगर आपके पास में 75 रुपए हैं और आप पूंजी खाते के अंतर्गत उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो जरूरी नहीं आपको $1 मिले, हो सकता है आपको $1 से कम मिलेगा। ओके, हो सकता है, तो पूंजी खाता है वो जरूरी नहीं 100% कन्वर्टेबल हो, उसमें से कुछ हिस्सा क्या किया जा सकता है काटा जा सकता है। ओके, तो इसलिए 100% कन्वर्टेबल नहीं होता है, तो ये चीज आपको देखने में। लेकिन जो चालू खाता होता है करंट अकाउंट होता है ये 100% क्या होता है कन्वर्टेबल होता है, यानी कि 75 रुपए हैं तो आपको $1 दिया जाएगा, तो $1 दिया जाएगा, आपको कटौती नहीं की जाएगी, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, तो भारत है उसमें बहुत, अभी इसमें नीचे दिया भी रखा है कि हमें क्या करना है, बहुत सारी चीजें जैसे विनिमय दर को बनाए रखना होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिस कारण हम इसको पूर्ण रूप से अभी नहीं खोले, लेकिन 1990 के बाद से हल्के हल्के हम इसको खोलना प्रारंभ किए हैं। ओके, तो यहां पर बात की जा रही है कि पूंजी खाता है इसको भी क्या किया जाए उदार किया जाए, उदार करने का मतलब क्या है, इसको भी हम 100% कन्वर्टेबल मतलब परिवर्तनीय बनाना चाहिए हमको। देखिए 1990 के दशक से हमने हल्के हल्के पूंजी खाते को सावधानी पूर्वक खोलना है वो प्रारंभ किया था, और आपको देखने को मिलेगा कि इस पर हमने एक कमिटी भी गठित की थी 1997 में, तारापुर समिति। तो देखिए जो तारापुर समिति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तारापुर समिति है उसने कहा था
कि हम हमें क्या करना चाहिए, जो जो सीएसी होता है, जिसको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं, इसको हमें क्या करना चाहिए पूर्ण रूप से, मतलब 100% करने की सिफारिश की थी, लेकिन कब, कुछ बेंच मार्कों की पूर्ति के बाद में, कुछ बेंच मार्कों की पूर्ति के बाद में हमको ऐसा करना चाहिए, जैसे कि एनपीए, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, इनको प्राप्त करने के बाद में। ओके, इसकी तारापुर समिति है, इसका गठन देखिए फिर से किया गया था, आपको देखने को मिलेगा 2006 में, 2006 में तारापुर समिति का गठन किया गया। तो इसने क्रमिक रूप से, मतलब हल्के हल्के ग्रेजुअली रूप से पूंजी खाती के उदारीकरण के सुझाव दिए थे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो कैपिटल अकाउंट होता है, मतलब पूंजी खाता होता है, इसके परिपेक्ष में कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा फुल्ली एक्सेसिबल रूट, आपको देखने को मिलेगा फुल्ली एक्सेसिबल रूट, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उनमें अनिवासी भारतीयों के द्वारा कोई सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वो जितना भी निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको क्या किया गया, ओपन किया गया। दूसरा आप देख सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल फॉरवर्ड, आपको देखने को मिलेगा नॉन कन्वर्टेबल फॉरवर्ड रूपी मार्केट में व्यापार या ट्रेड की अनुमति यहाँ पर दी गई। इसमें देखिए जो एनडीएफ क्या है, एनडीएफ एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक अनुमति है, एक एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें व्यापार की अनुमति दी जाती है। जो गैर परिवर्तनीय मुद्राएं होती है, मतलब एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उन मुद्राओं में भी व्यापार करने की एनडीएफ के द्वारा अनुमति दी जाती है। ओके, तो ये क्या है, एक तरह से एग्रीमेंट होता है, तो इसमें घरेलू मुद्राओं में भी व्यापार कर लिया जाता है। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा उदारीकृत विप्रेषण योजना देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि देखिए जो भी चालू खाता पूंजी खाता है दोनों पर लागू होता है, यहाँ पर 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक, यहाँ पर जो 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक बाहर आप इसको भेज सकते हैं, और ये दोनों पर लागू होता है, पूंजी खाता और चालू खाते पर, और इस पर सीमा इतने तक कोई भी आपके, ऐसा नहीं है आपका 2.5 लाख तक आप कर रहे हैं तो आप पर कटौती की जाएगी, यहाँ पर कटौती नहीं की जाती है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं बाह्य वाणिज्यिक उधारी है, मतलब बोरिंग की बात यहाँ पर की जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर छूट दी जाती है, स्वचालित मार्गों के माध्यम से यहाँ पर अधिकतम 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर है वो यहाँ पर ईसीबी जुटाने की अनुमति दी जाती है, मतलब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीएसी के अगर हम जुड़े लाभ की बात करें, तो यहाँ से हमें इंटरनेशनल मार्केट है वो भी मिलेगा, साथ में आपको देखने को मिलेगा कि अगर बाहर से मुद्रा आएगी तो यहाँ पर सरकार पर दबाव है वो भी बढ़ेगा, और साथ में वित्तीय क्षेत्र है उसमें सुधार भी होगा अगर सरकार पर दबाव होगा, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, और यहाँ पर कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इस सूचकांक को, मतलब इंडेक्स को बंद कर दिया है, समाप्त कर दिया है, तो ये न्यूज में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इस सूचकांक को, यहाँ पर विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बंद करने का निर्णय लिया गया है। बंद करने का निर्णय क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां देखी गई थी, जिस कारण कुछ देशों को इस बहुत सारा नुकसान हो गया था, तो इसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, इस इंडेक्स को, इस सूचकांक को कब जारी किया गया, तो इस सूचकांक को 2002 में प्रारंभ किया गया था, और 191 देश इसमें आपको शामिल देखने को मिलेंगे, जिसमें रैंकिंग दी जाती है। ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत देखा जाता है कि वहां पर व्यापार वाणिज्य करना कितना सुलभ है, गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, कितना ज्यादा आसान है, तो उसके अनुसार यहाँ पर रैंकिंग की जाती है। तो इंडिया की रैंकिंग अगर हम 2014 में बात करें तो 142वें नंबर पर थी, लेकिन 2020 में जो रैंकिंग है वो आपको 63वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि भारत ने अपने अंदर बहुत बड़ा सुधार किया था। अगर रैंकिंग में सुधार होता है तो विदेशी निवेश है वो आकर्षित होता है, जो निवेशक हैं वो तेजी से निवेश करना चाहते हैं, उनका ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
जो रैंकिंग है इसमें कुछ चुनौतियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो इंडेक्स था, इसमें बहुत सारी आपको अनियमितताएं देखने को मिलेंगी। 2018 से बीच के बीच में डेटाओं में बहुत सारी खामियां देखी गई, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको बंद करने का निर्णय लिया गया था, जिस कारण कुछ देशों को नुकसान भी हुआ, जैसे कि चीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, अजरबैजान हो गया, ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा उदारवादी पक्षपात भी किया जाता है यहाँ पर इस इंडेक्स में, तो आपको देखने को मिलेगा जो जो आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी देश हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कई सारे निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और इसमें देखिए, जो संरचनात्मक सुधार को इसमें जब रैंकिंग दी जाती है, तो रैंकिंग देने के क्रम में यहाँ पर किस आधार पर रैंकिंग दी जाती है, तो यहाँ पर दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों को बल नहीं दिया जाता है, बल्कि उसकी जगह पर यहाँ पर सिस्टम में जो कितनी खामियां व्याप्त हैं उन पर फोकस करके रैंकिंग दी जाती है। बल्कि ये देखना चाहिए कि दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार कोई देश कर रहा है तो उसको अच्छा अच्छा यहाँ पर रैंकिंग देना चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी जगह पर देखा जाता है सिस्टम में कितनी खामियां हैं। अरे खामियां नहीं, अभी वो उसने सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं उसके आधार पर भी तो तुम रैंकिंग दो, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, तो ये कुछ खामियां हैं इसकी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आते हैं फ्री ट्रेड के बारे में, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ओके, किसकी बात करते हैं यहाँ पर, हम लोग मुक्त व्यापार की बात करते हैं, फ्री ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत है वो जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन और कनाडा के साथ में मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को थोड़ा तेज करने का थोड़ा प्रयासरत है कि भाई जल्दी से हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कर ले, जिससे भारत का भी आयात निर्यात है वो बढ़े और उन देशों का भी बढ़े, सभी के लिए लाभ हो। और साथ में आप देख सकते हैं कि कुछ देशों के साथ में अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील होती है। अर्ली हार्वेस्ट का मतलब है कि अभी हार्वेस्ट हुआ नहीं है, अर्ली हार्वेस्ट का मतलब है अगर अभी चीजों का उत्पादन हुआ नहीं है, कृषि से अभी कृषि तैयार है, अभी फसल है वो कटी नहीं है, इसी तरह से कार है अभी अभी बनी नहीं है पर बन जाएगी, यानी कि बहुत ही जल्दी बनने वाली है, फसल है बहुत जल्दी तैयार होने वाली है, तो पहले से क्या कर लो, एक डील कर लो भाई, इतना हम अपने हम आएंगे, तो इसी को बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील के नाम से इसको जानते हैं। तो देखिए, अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा मुक्त व्यापार समझौता। ये क्या है, देखिए अर्ली हार्वेस्ट हार्वेस्ट स्कीम के अंतर्गत दो या दो से अधिक देशों के बीच में एक अनुबंध होता है, एक एग्रीमेंट होता है, इसके अंतर्गत जो प्रशुल्क होते हैं उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जाता है, मतलब उदार किया जाता है, या तो उन्हें शून्य कर दिया जाता है या फिर उनको कम कर दिया जाता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा भारत और थाईलैंड ने 2003 में यहाँ पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो उसका एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। ओके, एक बार बार पूरा यहाँ पर क्यों हो जा रहा है ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो FTA क्या है, तो दो या दो से अधिक देशों के बीच में आपको एक व्यापारी गुट जो होता है उसके बीच में एक समझौता देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत सीमा शुल्क हैं उनको कम किया जाता है और साथ में गैर प्रशुल्क बाधाएं हैं उनको भी कम करने की यहाँ पर बात की जाती है। तो देखिए यहाँ पर दिया रखा है, तो यहाँ पर ही मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए एक आपको देखने को मिलेगा जैसे PTA। ओके, तो PTA के अंतर्गत क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रशुल्कों को कम किया जाता है। इसी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रशुल्कों को कम किया जाता है या फिर उनको शून्य कर दिया जाता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से CEA क्या है, CEA है एक एकीकृत पैकेज है, एकीकृत पैकेज के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुओं को शामिल किया जाता है और देखा जाता है कि उन्हें कैसे ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाया जा सके, जिससे उनका निर्यात है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया जा सके, तो ये भी दो या दो से अधिक देशों के बीच में किया जा सकता है। इसी तरह से सीमा शुल्क संघ देखने को मिलेगा, सीमा शुल्क संघ ये होता है, इसमें कुछ देश मिलकर के आपस में यहाँ पर सीमा शुल्क को शून्य कर देते हैं। ओके, जिसके जिसके माध्यम से एक सीमा से दूसरी सीमा में ले जाने पर उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है। इसी तरह से साझा व्यापार देखने को मिलेगा, जैसे कि यूरोपियन संघ आपको एक तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें सीमा शुल्क को उन लोगों ने एक तरह से
शून्य कर दिया है। इसी तरह से आपको साझा बाजार भी देखने को मिलेगा। साझा बाजार है वो सीमा शुल्क संघ की तरह ही है, बस इसमें अन्य चीजों को भी शामिल कर लिया जाता है, जैसे कि श्रम और तकनीकी मानकों को भी थोड़ा सा सुलभ कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एक आर्थिक बाजार होता है। आर्थिक बाजार में राजकोषीय नीतियों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए रखे हैं, तो एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं। जैसे देखिए यहां पर नंबर एक आपको देखने को मिलेगा, जो पीटीए का एग्जाम्पल है भारत, और जो मोरको सूर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं सीए सीई सीए का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो भारत और दक्षिण कोरिया आपको इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए सीमा शुल्क संघ की अगर बात करें, तो इसमें आपको जैसे कि दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से साझा बाजार की बात करें, तो साझा बाजार है उसका एग्जाम्पल है यूरोपियन साझा बाजार आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आर्थिक संघ, तो आर्थिक संघ का एग्जाम्पल आपको यूरोपियन यूनियन आपको देखने को मिलेगा, जिसे यूरोपियन संघ के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें दी रखी हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीओ के बारे में। जैसे डब्ल्यूटीओ है, ओके, जैसे यहाँ पर आपको डब्ल्यूटीओ देखने को मिलेगा, वर्ल्ड ट्रेड जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक गेट्स के स्थान पर इसको लाया गया, इसकी स्थापना 1 जनवरी। तो देखिए इसकी इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में आपको देखने को मिलेगा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। जो डब्ल्यूटीओ है इसकी स्थापना गेट्स के स्थान पर की गई थी एक तरह से, और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। उरुग्वे वार्ता के दौरान जो 1986 से लेकर के 1994 तक सफलतापूर्वक ये जो वार्ता है संपन्न हुई थी, वहां पर ही ये डिसाइड किया गया था कि डब्ल्यूटीओ का गठन किया जाएगा। इसमें देखिए वर्तमान में इसके जो सदस्य है 164 इसके सदस्य देश आपको देखने को मिलेंगे, और 164 जो देश हैं वो 98% ग्लोबल ट्रेड की हिस्सेदारी यहाँ पर रखते हैं। अभी देखिए वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो इबेला आपको देखने को मिलेगी। तो इबेला है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महानिदेशक आपको देखने को मिलेंगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ये पहली महिला आपको देखने को मिलेंगी, पहली महिला होने के साथ में जो अफ्रीकी मूल की भी आपको पहली ही ये आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम इस डब्ल्यूटीओ के लक्ष्य की बात करें, इसका लक्ष्य है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, मतलब व्यापार होता है, इसको सुचारू रूप से बनाए रखना और इसको स्वतंत्र प्रवाह बनाए रखना। ओके, साथ में आप लोगों को इस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कौन कौन से इंडेक्स हैं, सूचकांक है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो विश्व व्यापार रिपोर्ट जिसको वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा रिलीज की जाती है। इसके द्वारा आप इसके अलावा आप देख सकते हैं विश्व व्यापार सांख्यिकी की समीक्षा आपको देखने को मिलेगी। ओके, जिसको वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू के नाम से जानते हैं, ये भी किसके द्वारा? डब्ल्यूटीओ के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा आईएमएफ। देखिए आईएमएफ है, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये देखिए है एक विशेष संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसकी स्थापना है 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जो हैम्पशायर में एक संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन के दौरान 44 देशों ने इसकी स्थापना आईएमएफ की स्थापना की थी। ओके, इसमें 190 सदस्य देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में ये वित्तीय नीतियों की निगरानी भी, आर्थिक और वित्तीय नीतियों की ये निगरानी करता है, साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखता है और मौद्रिक सहयोग भी प्रदान करता है। ओके, देखिए इसका जो उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, वैश्विक निर्धनता है उसमें कमी लाना, साथ में जीवन स्तर में सुधार करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसके लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, आईएमएफ के द्वारा जो इंडेक्स जारी किया जाता है उस इंडेक्स के बारे में देख लेना, कौन कौन सी रिपोर्टें हैं वो जारी की जाती है। तो एक तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो जारी किया जाता है, इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है,
फिजिकल मॉनिटर जारी किया जाता है, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, जो कि आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक है, तो देखिए वर्ल्ड बैंक है, इसका मुख्यालय आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये IMF के साथ स्थापित की गई एक विशेष संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी आपको देखने को मिलेगी। IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है। देखिए IMF और जो वर्ल्ड बैंक है, इसको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जानते हैं, जुड़वा जिसको बोलते हैं उसके नाम से जानते हैं। ओके, देखिए इसमें पांच संगठन शामिल हैं, तो पांच कौन कौन से संगठन शामिल हैं, एक आपको देखने को मिलेगा IDRD, आपको IBRD आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपको IDA देखने को मिलेगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता देते हैं, यहाँ पर जगह कम है जिससे आप लोगों के लिए अच्छे से एक बार में समझ में आ जाए। एक सेकेंड, एक स्पीच ऐड कर लेते हैं आपको, देखिए यहाँ पर बता देते हैं अच्छे से। तो देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो किससे कहते हैं, तो देखिए एक समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी आपको समझाना पड़ता है, वरना एक एक टॉपिक ऐसे आपके दिमाग में घूमने लगेगा जब हम समझाएंगे। देखिए वर्ल्ड बैंक किसे कहते हैं, एक आपको देखने को मिलेगा IBRD, अभी आपको बताएंगे इनकी सभी की फुल फॉर्म, सभी के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। देखिए IBRD, तो IBRD है, इसकी स्थापना 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसी के साथ में एक और संगठन देखने को मिलेगा IDA, ओके, जिसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से जानते हैं, एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना है 1960 में की गई थी। इन्हीं दोनों को मिला करके बनता है क्या, वर्ल्ड बैंक बनता है। यही क्या है, वर्ल्ड बैंक है, ये क्या है, वर्ल्ड बैंक है। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक तो है, लेकिन देखिए ये पहला जो IBRD है इसका काम क्या है, IBRD है ये कम आय ऐसे देश, जो कम आय वाले देश हैं, जो विकासशील देश हैं जिनकी आय कम है, लेकिन वो ऋण को चुकाने में, अगर उनको लोन दिया जाए तो ऋण को वो चुका देंगे, ऋण को चुकाने में सक्षम है, यानी कि ऋण को चुका सकते हैं, वो सक्षम है, ऐसे देशों के लिए वो डेवलपमेंट के लिए ऋण देता है, क्या देता है, लोन देता है, कौन, IBRD लोन देता है। लेकिन वहीं आपको देखने को मिलेगा जो IDA है, ये ऐसे देशों के लिए ऋण देता है जो अत्यंत गरीब हैं, क्या हैं, बहुत गरीब है, मतलब अत्यंत गरीब देश हैं, गरीब देश हैं, इनके लिए क्या देता है, ऋण देता है, और जो ऋण देता है वो शून्य ब्याज दर पर देता है, मतलब यहां पर 0% इंटरेस्ट पर देता है, और साथ में वित्तीय सहायता भी देता है, सब्सिडी एक तरह से देता है या फिर सहायता देता है। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा ये किसके लिए ऋण देता है, ऐसे देशों के लिए ऋण देता है जो ऋण को लौटाने में सक्षम है, जो कम आय वाले हैं, मध्यम आय वाले हैं, उनके लिए ऋण देता है। लेकिन IDA है वो बहुत ही गरीब देश हैं, बहुत ही पिछड़े देश हैं, उनके लिए यहाँ पर ऋण देता है। तो और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह से देखिए देखने को मिलेगा, इसको तो बोलते हैं क्या, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक क्या है, यही क्या है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इन्हीं दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। इसी तरह से एक होता है वर्ल्ड बैंक समूह, तो वर्ल्ड बैंक समूह क्या होता है, एक संगठन और देखने को मिलेगा IFC आपको देखने को मिलेगा, एक आपको देखने को मिलेगा ICSID आपको देखने को मिलेगा, एक आपको MIGA देखने को मिलेगा। इधर देखिए लोगो आ रहा होगा, ये लोगो आने की वजह से हम इसको नीचे लिख देते हैं, MIGA बोलते हैं। तो देखिए FIC है, इसका गठन है 1956 के करीब में किया गया था, और इसका गठन है 1966 के करीब में इसका गठन किया गया था, और इसका गठन है 1988 में किया गया था। देखिए इसका जो कार्य है, इसका कार्य है निजी क्षेत्र में, जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है उसमें क्या करना, विकास संस्थान के रूप में काम करना, विकास संस्थान के रूप में कार्य करना, मतलब जो निजी क्षेत्र है उनमें प्रोत्साहन की आवश्यकता है, वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो वो IFC का काम है। ओके, इसके अलावा देखिए ICSID का जो कार्य है वो है, अगर इस मामलों में इंटरनेशनल मतलब जो वित्तीय लेन देन होता है, जो वित्तीय ट्रेड होता है, उसमें अगर कोई विवाद हो जाता है दो संस्थाओं के बीच में, दो देशों के बीच में,
तो इन विवादों का निपटारा कैसे किया जाए, तो विवाद निपटारे के लिए एक संगठन होना चाहिए, तो उसके रूप में ये कार्य करता है। इसी तरह से ये भी कार्य करता है, ये विकासशील देशों में, जो विकासशील देश होते हैं इनमें एफडीआई, एफडीआई मतलब, एफडीआई का मतलब है जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा। देखिए ये पांचों मिलकर के, ये जो पांच है ना, ये पांचों मिलकर के क्या बनाते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं, और कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं देखने को मिलेगी। ओके समझ गए। तो देखिए टाइम अगर हो ना तो आपको ऐसी चीजें रटा देंगे, कभी आप लोग नहीं भूलने वाले, लेकिन टाइम कम होने की वजह से यहाँ पर क्योंकि रिविजन कराते हैं तो इसीलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। ओके तो यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सी यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज की जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको देखने को मिलेगा वैश्विक वित्त विकास रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, जो इसके द्वारा रिलीज की जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट है, ये दूसरी रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तीसरी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, ये तीसरी रिपोर्ट है जो रिलीज की जाती है। और चौथी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, ये चौथी रिपोर्ट नहीं है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सूचकांक है, इसको अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा बंद कर दिया गया है। ओके जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये एक्चुअली पता नहीं क्यों बार बार सब सिलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा एनडीबी की बात करें तो एनडीबी क्या है, तो एनडीबी आपको इसका जो मुख्यालय है वो संघई में देखने को मिलेगा। संघई कहाँ है, चीन में आपको देखने को मिलेगा। यह है एक बहुपक्षीय विकास संस्थान है जो 2014 में जो फोर्टालेजा में छठवे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। यह 2015 से परिचालन है वो अपना कर रहा है। इसका जो उद्देश्य है ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को एकत्रित करना, इसका लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो आपको 100 100 बिलियन डॉलर देखने को मिलेगी। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, किसी कंपनी के जो मैक्सिमम शेयर रिलीज करने की जो कानूनी क्षमता होती है, कानूनी अधिकार होता है, उसको बोलते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब कैपिटल क्या बोलते हैं, जिस अमाउंट में किसी कंपनी के द्वारा शेयरों को रिलीज किया जाता है उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, अभिदत्त पूंजी बोलते हैं। ओके इसके अलावा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं इसके द्वारा, ये बार बार पता नहीं क्यों सिलेक्ट हो जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 2021 में इसके दायरे को थोड़ा सा ब्रिक्स से आगे बढ़ाया गया है, और ब्रिक्स से आगे बढ़ा करके इसमें संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और साथ में बांग्लादेश और मिस्र, ये चार देशों के लिए शामिल किया गया है, जिसमें से ठीक है बांग्लादेश और जो संयुक्त अरब अमीरात है ये आधिकारिक सदस्य हैं, वो बन चुके हैं, लेकिन वहीं मिस्र और उरुग्वे आपको देखने को मिलेंगे, संभावित सदस्य आपको अभी देखने को मिलेंगे। ओके तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडीबी के बारे में, एशियन विकास बैंक के बारे में। इसका जो मुख्यालय है वो आपको मेट्रो मनीला में आपको देखने को मिलेगी, जो फिलीपींस में है। 1966 में स्थापित किया गया था, बहुपक्षीय विकास बैंक आपको देखने को मिलेगा। आरंभ में इसमें 31 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में आपको 68 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 49 है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं और बाहर से 19 आपको देखने को मिलेंगे। ओके ये चरम जो निर्धनता होती है, मतलब गरीबी है, उसके उन्मूलन के लिए इसकी स्थापना की गई, साथ में समृद्धि समावेशी और लचीले विकास और टिकाऊ विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़े इसके जो शेयर होल्डर हैं वो फर्स्ट नंबर पे जापान है, दूसरे नंबर पर यूएसए है, और तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा चीन है, और चौथे नंबर पे भारत देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा इसका लाभार्थी अगर हम बात करें तो भारत आपको देखने को मिलेगा, 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में ऋण लिया रखा है यहाँ से, एशिया एशियाई विकास बैंक से ऋण लिया रखा है। ओके इसके अलावा देखिए इसके द्वारा कौन सा यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, तो एशियाई विकास
परिदृश्य जिसको एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है वो रिलीज किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन कितनी इसमें भागीदारी रखता है, वो चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक आपको देखने को मिलेगी, इसका मुख्यालय बीजिंग में यानी कि चीन में देखने को मिलेगा। ये एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक बहुपक्षीय विकास बैंक आपको देखने को मिलेगी। 2015 में आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके 2016 से इसने अपना परिचालन है वो शुरू किया था। इसकी सदस्य संख्या आपको 57 सदस्य थी वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अब बढ़ करके 105 सदस्यों पर पहुंच गई है। ओके, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं देखने को मिलेगी। भविष्य में अवसंरचना का विकास करना, उसके लिए वित्त पोषित करना इसका लक्ष्य देखने को मिलेगा। इसकी प्राथमिकताओं में शामिल है जैसे कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, किसी नए उद्योग नए अवसंरचना का विकास कर रहा है। जैसे कोई फैक्ट्री अगर पहले ही लगी हुई है उसमें निवेश करेंगे तो वो ग्राउंड फील्ड में आता है, इसी तरह से ग्रीन में वो आता है नए का एकदम विकास करना। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी सक्षम अवसंरचना और निजी पूंजी को जुटाना, ये चीज देखने को मिलेगा। चीन इसका सबसे बड़ा शेयर धारक है और उसके बाद में भारत आता है, फिर इसके बाद में आपको रूस देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ है, फ्रांस में है। ये अंतर सरकारी आर्थिक संगठन आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य है आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना, इसका लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन के स्थान पर की गई। ओके, और इसकी स्थापना यूरोपीय पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना को प्रस्तावित करने में मदद करने के लिए 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो संगठन का आदर्श वाक्य है, बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां, तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभार थीम्स के बारे में पूछ लेता है। इसकी अगर सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश हैं वो 38 सदस्य देश आपको देखने को मिलेंगे, जो मुख्य रूप से HDI यानी कि विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। कौन सा, ये देखिए यहाँ पर भारत है वो इसका सदस्य नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहीं आपको जैसे कि ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ एक प्रमुख आर्थिक साझेदार देश आपको देखने को मिलेगा। देखिए वहीं अगर हम बात करें इसके सूचकांकों की तो इसमें इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक है वो रिलीज करता है, साथ में OECD बेटर लाइफ इंडेक्स है वो भी इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर हम WEF की बात करें जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एक सेकेंड सिलेक्ट हो गया है। अगर देखिए हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो यहाँ पर ये कहाँ है, इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। 1971 में सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए यहाँ पर क्लाउस स्लॉस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मिशन विश्व की स्थिति में सुधार करना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर वैश्विक क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए समाज में अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं को एकजुट करता है और एक फोरम यानी कि एक मंच प्रदान करता है वहां पर आकर के। ओके, और इसके द्वारा कौन कौन सी यहाँ पर रिपोर्ट यानी कि इंडेक्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट रिलीज की जाती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज की जाती है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज की जाती है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक है वो रिलीज किया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, सभी की रट लेना है एकदम। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कॉर्नवॉल सर्व समिति के बारे में। ओके, तो G7 में जो आर्थिक लचीलेपन की यहाँ पर ये बात की जाती है, इसके माध्यम से वैश्विक आर्थिक शासन है उसमें सुधार करना और सामूहिक तंत्र है उसका एक तरह से निर्माण करना, और जो जो आपको देखने को मिलेगा SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके
अचीव करने की बात यहाँ पर की जाती है। ओके चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर डिजिटल बर्निल बॉल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर IMF के जो निर्देशक हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका और यूरोपियन संघ और चीन जैसे बहुत सारे देश हैं जो असंगत प्रौद्योगिकी मानकों को अपना रहे हैं, जिससे आगे चलकर यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसे जिसे डिजिटल बर्निल बॉल के रूप में इनको सामना करना पड़ेगा। ओके तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा निबल स्थिर निधनीय अनुपात आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो के नाम से जानते हैं। ये क्या है, आपको नियम देखने को मिलेंगे कि बैंकों में स्थिरता है वो बनी रहे, और 2008-09 में जो वित्तीय संकट आया था वो पुनः वित्तीय संकट उत्पन्न ना हो, तो उसके लिए कुछ मापदंड हैं वो बताए गए हैं इसमें। ओके तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। दीर्घ वित्त के बारे में, दीर्घ आयु वित्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है कि 1 बिलियन लोग हैं वो क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि उनकी आयु कितनी है, 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, जिनकी व्यय क्षमता है वो $15 ट्रिलियन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कैसे, तो देखिए ये क्या है, ऐसे लोग हैं जो अब उत्पादक नहीं बचे हैं, मतलब अब क्या है, ये प्रोडक्शन किसी चीज का नहीं कर सकते, अब ये क्या करें, एक तरह से उपभोग करेंगे, ये सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आ गए हैं। तो इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, तो वो बात यहाँ पर की गई, उसकी अनुशंसा के लिए यहाँ पर एक समिति का भी गठन किया गया था, एक विशेष समिति का गठन किया गया था। ओके अब देखिए ये सारी चीजें आएंगी, तो ये जनसांख्यिकीय जो परिवर्तन है, विशेष रूप से धन प्रबंधन, स्वास्थ्य बीमा और अन्य निवेश उत्पादों के क्षेत्र में नई चुनौतियों को भी लेकर के आएगा, और साथ में नए अवसरों को भी लेकर के आएगा। ओके इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंदन अंतर बैंक प्रस्ताव दर, जिसको लीबोर बोलते हैं, लीबोर के बारे में हम आपको पढ़ाए थे, जब एक देश की बैंक दूसरे देश की बैंक से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऋण लेती है, तो जिस दर पर लेती है उसको उसी आधार पर, जैसे लंदन से ली तो उसको लंदन अंतर बैंक प्रस्ताव दर के नाम से जानते हैं, जिसको लीबोर बोलते हैं, इसको RBI ने बंद करने की बात की है। ओके तो 30 जून 2023 तक इसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो RBI ने दिसंबर 2021 तक, 21 तक इसे चरणबद्ध तरीके से इसको बंद करने की बात की गई है, और इसके स्थान पर हम अन्य वैकल्पिक जो हमारे पास उपकरण है उनके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम बैंक ऋण ले सकते हैं जाकर के, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई इंटर बैंक ओवरनाइट कैश रेट के माध्यम से, स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट के माध्यम से हम जाकर के ऋण ले सकते हैं, जो हमारे देश की बैंकों को अगर ऋण की आवश्यकता है तो। ओके इसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल का परिवर्तन, देखिए कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल का परिवर्तन है, परिवर्तन का मतलब क्या है, अब उसको लागू करना, इंप्लीमेंट करना, तो व्यवसाय सुगमता को बढ़ाने के लिए, और साथ में जो अनुबंध है मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उनको परिवर्तन में लाना, तो उसलिए यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा इनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो न्याय विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमेरिका कॉम्पैक्ट एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जो अमेरिका कॉम्पैक्ट एक्ट 2022 है प्रस्तुत किया है। इस एक्ट के माध्यम से क्या होगा, जो हमारे भारतीय हैं उनके लिए और ज्यादा यहाँ पर अवसर मिलेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से कोई ऐसा देश है जो नई स्टार्टअप कंपनी की स्थापना करना चाहता है और उसमें स्वामित्व या फिर लेना चाहता है, तो वो यहाँ पर जाकर के स्वयं याचिका दायर कर सकता है जाकर के, यानी कि वो उस देश का नागरिक नहीं है, यानी कि विदेशी नागरिक भी जाकर के उसमें स्वामित्व ले सकता है, तो नए नए अवसर भी सृजित होंगे, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा विशेष आहरण अधिकार देखने को मिलेगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स देखने को मिलेगा। स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है, ये IMF की मुद्रा है, IMF है
वो आपको देखने को मिलेगा 1969 में, 1969 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्यों के आधिकारिक भंडारण के अनुपूरण हेतु इसका निर्माण किया गया था। देखिए जो आईएमएफ की ये मुद्रा तो है, लेकिन आईएमएफ का इस पे दावा नहीं है, ना तो ये आईएमएफ, ना तो यह एक मुद्रा है, और ना ही आप जो आईएमएफ है वो इस पर दावा करता है, बल्कि जो इसके सदस्य देश होते हैं, ओके सदस्य देश होते हैं, वो एक तरह से इसके ऊपर, एक तरह से उन इसके ऊपर दावा करते हैं। ओके ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, जैसे कि 100 रुपए का नोट है, आप कहते हैं कि हमको ये 100 रुपया नहीं चाहिए, आप आरबीआई के पास जाते हैं, कहते हैं ये कागज है, ये 100 रुपया हमको नहीं चाहिए, 100 रुपए के बदले हमको सोना दे, तो आरबीआई क्या है, आरबीआई उस पर आपके लिए क्या देती है, दावा देती है, यानी कि आप 100 रुपए के बदले जाकर के उनसे सोना ले सकते हैं। लेकिन आईएमएफ के साथ में ऐसा नहीं है, आप कहेंगे हमारे पास में 1 लाख रुपए का स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, कोई देश जाता है आईएमएफ के पास में, कहता है इसके बदले हमको डॉलर दे दो, तो वो क्या कर देगा, भगा देगा, क्योंकि जो सदस्य देश हैं उनका इस पर वो देखने को मिलेगा। ओके तो देखिए जो जिसके पास में जितना ज्यादा एसडीआर होगा, उस आधार पर उसकी मतदान जो शक्ति है, मतलब जो कोटा है, वो डायरेक्ट रिलेट करता है। लेकिन इसका जो रेट है वो कैसे डिसाइड होगा, इसका जो रेट है वो डिसाइड होता है, एक बास्केट होती है विदेशी मुद्रा की, एक बास्केट होती है जिसमें जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, चीन की मुद्रा हो गई, जापान की मुद्रा हो गई, ब्रिटेन की मुद्रा हो गई जिसको पाउंड बोलते हैं, इन सभी मुद्राओं को रखा जाता है, और इनके सम्मिलित रूप से औसतन जो उतार चढ़ाव होता है उसी के आधार पर इसके रेट को डिसाइड किया जाता है। ओके इसके अलावा देखिए हम लोग बात करते हैं आगे, जिसको बोलते हैं टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉन्ड, विदाउट बॉन्डर। ओके तो देखिए ये क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक संयुक्त पहल देखने को मिलेगी, जो विकासशील देशों में कर प्रशासन लेखा परीक्षण करेगी और जो कौशल है उसको बढ़ाएगी, और इन सभी चीजों को एक दूसरे के साथ में साझा भी करेगी, और साथ में इसमें सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से इन सभी चीजों को लचीला बनाया जाएगा, मतलब फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। तो आज का लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश होता है, जो आज का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने पूरा देख लिया है। तो चलिए आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को अगला लेक्चर है वो आपको अगले दिन मिल जाएगा। ओके अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहे। ओके।